गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस इवेंट में मैं आप सबका स्वागत करना चाहती हूँ। फ्रेंड्स, मेरा नाम सिमी मल्होत्रा है और जब मैं मोदी के बिजनेस में आई थी, उससे पहले मेरा अपना गारमेंट एक्सपोर्ट का बिजनेस एक बहुत लग्जूरियस लाइफस्टाइल थी। लेकिन 2015 में एक बहुत बड़ा बिजनेस लॉस हुआ। लेकिन फ्रेंड्स, सपने थे, अपने फैमिली के जो सपने थे, गोल्स थे, उसको पूरा करना चाहती थी, तो मोदी के बिजनेस को करने लगी। और फ्रेंड्स, ऐसे ही इवेंट्स को मैंने अटेंड किया जहां पे सक्सेसफुल लीडर से सीखा कि मैं भी कैसे सक्सेस पा सकती हूँ, मैं भी बड़ी इनकम कैसे मिल सकती है। तो फ्रेंड्स, यही मकसद है हमारे इवेंट्स का। और इस इवेंट को आगे बढ़ाते हुए मैं इन्वाइट करना चाहती हूँ जो इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग में सबसे सक्सेसफुल लेडीज है। फ्रेंड्स, सक्सेस दिलाना इनका पैशन है, इसलिए हम इनको सक्सेस गुरु के नाम से भी जानते हैं। तो मैं इनवाइट करना चाहती हूँ हमारी मेंटर, हमारी इंस्पिरेशन डॉक्टर सुरेखा मैम। ओवर टू यू मैम। थैंक यू सिमी जी। वाओ, आप खूबसूरत बातें भी करती हैं, खूबसूरत दिखती भी हैं, तो हर एक इवेंट का स्टार्ट जब भी आप करती हैं तो डेफिनेटली लाइफ और खूबसूरत लगती है। थैंक यू सो वेरी मच। राइट फ्रेंड्स, तो आप तैयार हैं एक और WWW के लिए? हम WWW वेडनेसडे, हम क्या बात करते हैं, वेल्थ की, वेलनेस की और वाओ लुक की। और कहते हैं कि वैसे तो खूबसूरती एक बहुत ही रिलेटिव टर्म है, वेलनेस भी एक रिलेटिव टर्म है। मैं वेल फील कर रही हूँ, वेल बींग फील कर रही हूँ, दूसरा नहीं कर रहा है, ये बहुत सापेक्षिक बातें होती हैं। बट वेल्थ एक ऐसी चीज है जो रिलेटिव टर्म नहीं है, उसे हम गिन सकते हैं, उसे हम गणित में जान सकते हैं। हमारा बैंक बैलेंस कितना है हम बता सकते हैं, हमारा घर कितने करोड़ का हमने खरीदा है वो हम बता सकते हैं। तो आइए, आज हम पूरा WWW वेडनेसडे डेडिकेट कर रहे हैं वेल्थ के लिए। आज हम सीखेंगे पैसा 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 कमाना। तो कितने लोग तैयार हैं पैसा कमाने के लिए, बहुत सारा पैसा कमाने के लिए? यस, मैं हाथ देख सकती हूँ, हर कोई पैसा कमाने के लिए तैयार है। और दोस्तों, जब पैसे की बात आती है तो हम सबको ना अपनी गर्दन एक एक इंच लंबी कर लेनी चाहिए। मोदी केयर का मार्केटिंग प्लान, समीर मोदी आजादी प्लान अनलिमिटेड जो है, वो बड़ा जस्टफुल, कहते हैं ना, जस्टिस करने वाला न्यायप्रिय प्लान है। जो राइट थिंग नेटवर्क मार्केटिंग में हमसे एक्सपेक्ट की जाती है वो करने पर हमें पैसा मिलता है, बड़ा न्यायप्रिय प्लान है। और इसीलिए इसमें लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस, यानी अपने लीडर्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने पर जो पैसा दिया जाता है, वो सबसे ज्यादा पैसा उस बात पर बांटा जाता है। 15% LPV बोनस हमें मिलता है। और दोस्तों, जैसे ही LPV बोनस हम कमाने लगते हैं ना, उसके बाद बाकी की जिंदगी से कम फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो खत्म होती चली जाती है। तो अगर जिंदगी में कोई भी सपना है, मोदी केयर से कोई भी सपना पूरा करना चाहते हो, भले आपने कल ज्वाइन किया है या आज ज्वाइन किया है या आज बाय एनी चांस अगर आप आज गेस्ट भी हो ना, ये बोनस समझना बनता है। क्योंकि समझ लोगे तो विजुलाइज करने लगोगे, विजुलाइज करने लगोगे, राइट स्ट्रक्चर बनाने लगोगे, राइट माइंडसेट कर लोगे, राइट एक्शन होने लगेगा, राइट रिजल्ट मिलने लगेंगे। और जिस सपने को लेकर के आप मोदी केयर में मेहनत कर रहे हो, वो सपने पूरे होने लगेंगे। तो आज का पूरा सेशन हम आपको A to Z ऑफ LPV बोनस समझाने वाले हैं। और ये समझाने के लिए कोई और नहीं आ रहा है, हमें काफी महीनों से, काफी हफ्तों से जो हमारे को स्मैप जो है अनलिमिटेड को क्लैरिटी करते जा रहे हैं, एक एक बोनस को बहुत डेप्थ में समझाते चले जा रहे हैं, आज हम बुला रहे हैं उन्हें ही, हमारे आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना के ASM शफी भाई। वैसे तो उनका नाम मोहम्मद शफीउद्दीन है, पर हम सब प्यार से उन्हें शफी भाई बोलते हैं। तो जोरदार तालियों के साथ आइए स्क्रीन पर स्वागत करते हैं शफी भाई का। शफी भाई, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सुरेखा मैडम, थैंक यू सो मच। सो गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग लीडर्स, वार्म वेलकम, मैं आप सबको वेलकम करता हूँ आज के सेशन। शफी भाई, हम आज दो काम करने वाले हैं। एक आपका अभी सेशन करेंगे और हमने ना क्वेश्चन आंसर्स पूछे थे सब ग्रुप्स पर कि LPV से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछिए, पर मुझे पता है आपका सेशन सारे क्वेश्चंस कवर कर लेने वाला है। फिर भी कोई क्वेश्चन अगर छूट रहा होगा तो वो मैं आपसे पूछ लूंगी। और फिर एट द एंड ऑफ इट हम LPV के जो बेनिफिशियरी हैं, जो लोग कम वॉल्यूम के साथ LPV करके अच्छे चेक्स कमा रहे हैं, हम कुछ लोगों के टेस्टिमोनियल शेयर करवाने वाले हैं। तो ये है हमारा आज का एजेंडा शफी भाई। डन मैडम, थैंक यू सो मच मैडम। थैंक यू भैया। सो गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग लीडर्स, अ वार्म वेलकम। आई नो जब बात पैसे की आती है ना तो सब जोश में आ जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मतलब मैं बोलता हूँ ना कि लास्ट टाइम भी मैंने आप सबसे कहा था कि जब कभी आप गेम खेल रहे हो ना, गेम का मजा तब आएगा जब आपको उसके रूल्स एंड रेगुलेशन पता हो। तो समीर मोदी आजादी प्लान अनलिमिटेड जो है, आप अगर बिजनेस कर रहे हो, आपको बिजनेस के बारे में पता है, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पता है, मोदी केयर के बारे में पता है, प्रोडक्ट के बारे में पता है, लेकिन अगर आपको प्लान के बारे में पता नहीं है,
देन यू विल नॉट बी एबल टू सक्सीड इन दिस बिजनेस. सो जितना नेटवर्क मार्केटिंग, मोदी केयर, प्रोडक्ट्स, ये सब के बारे में जानकारी जरूरी है, उसी हिसाब में आपको जानना ये जरूरी है कि समीर मोदी आजादी प्लान अनलिमिटेड कैसे काम करता है. तो समीर मोदी आजादी अनलिमिटेड प्लान में पैसा कहाँ पे आता है, तो चलिए आज उस प्लान में जो ज्यादा पैसा हमको देता है हम आज उसके बारे में बात करते हैं. उसको ही कहते हैं हम लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस. तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूं, मैं स्क्रीन शेयर करता हूं अपना. होप यू आर एबल टू सी दिस. यस भैया. या लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस ये गेम चेंजर. मैं बता रहा हूं, अगर आपको बढ़िया इनकम कमाना चाहते हो आप, तो एक चीज है जो सारा गेम बदल सकती है और वो है लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस. सो इसके बारे में आज हम डिटेल में जानेंगे. सी मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस जो है आपको समझने के लिए एक सेशन में आप समझ नहीं पाओगे, लेकिन मैंने आज पूरी कोशिश की है कि आपको मैं बताऊं कि लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस होता क्या है, उसका कैलकुलेशन कैसे होता है, उसके बेसिक्स जो रूल्स हैं वो कैसे. अगर वो आप जान लोगे देन आई एम टेलिंग यू यू कैन प्लान योर बोनस. अभी जो ज्यादा कैलकुलेशन है वो हम सिस्टम के ऊपर छोड़ते हैं. तो चलिए आज आगे बढ़ते हैं और हम आज सीखते हैं. तो जैसे आप सब लोग जानते हो, समीर मोदी आजादी प्लान अनलिमिटेड में 10 एरियाज ऑफ इनकम है जैसे स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, लेकिन इस 10 इनकम में दो ऐसे इनकम है जो आपको ज्यादा पैसा देंगे. वो है टीम बिल्डर बोनस जो कि 14% पूल है, और दूसरा है लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस. तो टीम बिल्डर बोनस आपको इतना पैसा देगा, लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस आपको इतना पैसा देगा. अगर आप इन दोनों बोनस को ऐड करोगे तो तकरीबन 30% आपको आता है वॉल्यूम, यहीं से आता है. तो इसके बारे में हम आज डिटेल से जानेंगे लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस. इस लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस का फंडा बहुत सीधा साधा है, बहुत क्लियर है. इसमें कहा यह जा रहा है कि आप आपके टीम में ज्यादा से ज्यादा लीडर्स को आप बनाइए, और वंस यू बिल्ड, जब आप अपने टीम में अच्छे लीडर, स्ट्रॉन्ग लीडर जब आप बनाओगे, देन यू विल स्टार्ट मेकिंग द मोस्ट पावरफुल बोनस, जिसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं. फ्रेंड्स, सब लोग कहते हैं कि मोदी केयर में डायरेक्टर इज अ एक्चुअल लेवल, एक्चुअल करेक्ट लीडरशिप वहां से स्टार्ट होता है. लेकिन मेरा मानना यह है कि समीर मोदी आजादी प्लान में अगर कोई लेवल है जहां से एक्चुअल लीडरशिप शुरू होती है वो है सीनियर डायरेक्टर. मैं क्यों ऐसे कह रहा हूं, इसके पीछे लॉजिक है. देखिए, डायरेक्टर बनने के लिए आपको टीम हो या ना हो, आप रेगुलर प्रोडक्ट परचेस करके भी एक ना एक दिन तो डायरेक्टर बन जाओगे. बट सीनियर डायरेक्टर का खेल ऐसे नहीं है. अगर आपको सीनियर डायरेक्टर बनना है तो दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है. एक, आपको नीचे एक डायरेक्टर को क्वालिफाई करवाना है. दूसरा, वो टीम छोड़ के जो टीम डायरेक्टर क्वालिफाई कर गया है उस टीम को हटा के जो टीम्स क्वालिफाई नहीं कर गए हैं उन टीम से आपको साइड वॉल्यूम जनरेट करना है. एक्चुअल लीडरशिप स्टार्ट होता है सीनियर डायरेक्टर से. तो मैं मेरे हर मीटिंग में कहता हूं कि आपको आपके डाउनलाइंस में एक्चुअली लीडर कब बनेंगे, जब वो बनेंगे सीनियर डायरेक्टर. और ये जो दो पावरफुल हमारे जो बोनस है समीर मोदी आजादी प्लान अनलिमिटेड में, टीम बिल्डर बोनस और लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस, इसको पाने के लिए भी आपको ध्यान में रखना ये है कि आपको सीनियर डायरेक्टर क्वालिफाई करवाना जरूरी होता है. जैसे आप जानते हो लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस एक पूल है जिसमें 15% जो वॉल्यूम होता है उसको साइड में रखा जाता है, और जितने भी लीडर्स इसमें क्वालिफाई कर जाते हैं उन सबको वो 15% पूल में से इन सबको बांटा जाता है. तो ये किसको दिया जाता है, इसका टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, ये हम आगे जानेंगे. देखिए, रूल इज वेरी क्लियर. यू नो, आप चाहते हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो. लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस का रूल बहुत सिंपल है, बहुत आसान है. पहले आपको देखना चाहिए कि मेरा टाइटल सीनियर डायरेक्टर, आई शुड बी ए सीनियर डायरेक्टर, मैं क्वालिफाइड सीनियर डायरेक्टर हूं. दूसरा रूल ये है कि मेरे एक लेग में, मेरे जो फ्रंटलाइन लेग्स है उसमें कोई एक लेग डायरेक्टर क्वालिफाई कर जाए.
फ्रंट इमीडिएट हो या डाउन दी लाइन हो, कोई भी हो, वो डायरेक्टर क्वालिफाई कर जाए। तीसरा रूल ये है कि जो लेग डायरेक्टर क्वालिफाई कर जाता है उस लेग से मुझे 3600 जीपीवी आए। ये तीन चीजों में से अगर कोई भी चीज छूटती है तो आप एलपीबी क्वालिफाई नहीं होगे। तो क्या रूल? तीन रूल है। एक, आप सीनियर डायरेक्टर हैं बने। दूसरा, आपके जो फ्रंट लाइन से कोई भी एक लाइन में, किसी एक लाइन में आप डायरेक्टर क्वालिफाई करवाएं। तीसरा, जो डायरेक्टर क्वालिफाई कर रहा है उस लेग से 3600 जीपीवी आए। तो ये तीन चीजें आपको ध्यान रखनी, ये है रूल्स। अगर इसमें से कोई एक रूल भी छूट रहा है then you are not eligible for leadership productivity bonus. So this is very simple, right? Next, आगे बढ़ते हैं। अब मुझे ये बताइए, यहाँ पे जो यू है, he is qualified senior director, he has done his personal PGPV, इन्होंने अपना personal PGPV कर लिया, PV कर लिया है, उनके अंडर में एक लीडर डायरेक्टर क्वालिफाई कर गया है और उनका वॉल्यूम आया है 1250. Am I eligible? The question says, क्या मैं eligible हूं leadership productivity bonus के लिए? The answer is no. क्यों? अगर हम पीछे जाएंगे तो इसमें तीन क्राइटेरिया बताया गया था। पहला क्राइटेरिया ये है कि मैं सीनियर डायरेक्टर रहूं। दूसरा क्राइटेरिया कि मेरे डाउनलाइन में एक डायरेक्टर क्वालिफाई कर जाए। तीसरा क्राइटेरिया कि डायरेक्टर लेग जो है उस लेग से 3600 ग्रुप पीवी आए। तो मैं अगर इस हिसाब में देखता हूं ये एग्जांपल को, तो यहां पे मैंने दो क्वालिफिकेशन कंप्लीट किए हैं, तीसरा मैंने नहीं किया, देन आई एम नॉट एलिजिबल, मैं एलिजिबल नहीं हूं। मैं जाता हूं सेकंड एग्जांपल में। ये एग्जांपल अगर मैं देखूं, यहां पे मैं सीनियर डायरेक्टर कर गया हूं, मेरे नीचे एक क्वालिफाइड डायरेक्टर आ गया है और उस डायरेक्टर लेग से मुझे 3600 पीवी आया है, जीपीवी। आई एम एलिजिबल? यस, आई एम एलिजिबल। व्हाई? तीनों क्राइटेरिया मैंने फुलफिल किया है। एक तो मैं सीनियर डायरेक्टर बन गया, दूसरा मेरे नीचे एक मिनिमम क्वालिफाइड डायरेक्टर आया है, तीसरा उस डायरेक्टर लेग से 3600 ग्रुप पीवी मुझे आया है। तो मैंने तीन कंडीशंस मैंने कंप्लीट किए हैं, देन आई एम डन, मैं क्वालिफाई कर जाऊंगा लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस सेकेंड एग्जाम्पल में। लेकिन फर्स्ट एग्जाम्पल में अगर मैं देखूं तो मैंने थर्ड क्राइटेरिया फुलफिल नहीं किया है, जो क्राइटेरिया है कि 3600 पीवी नहीं हुआ। तो फर्स्ट केस में आई एम नॉट एलिजिबल, बट सेकेंड सिनेरियो में यस आई एम एलिजिबल। दिस इज वेरी क्लियर। नाउ आगे बढ़ते हैं, आई एम गोइंग वेरी स्लो। नेक्स्ट सर, लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस का कैलकुलेशन कैसे होता है ये भी जानना बहुत जरूरी है। आप ध्यान में रखें कि लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस में दो कैलकुलेशन, दो हिसाब के कैलकुलेशन होते हैं और दो चीजों को कंसिडरेशन किया जाता है। एक होता है मिनिमम गारंटी जो मुझे आएगा, दूसरा होता है मल्टीपल जनरेशन। ये दोनों तरह के बोनसेस जैसे हैं, बोनस जैसे हैं। अगर मैं लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस क्वालिफाई कर जाता हूं तो मुझे ये दोनों हिसाब का मुझे बोनस मिलेगा। एक है मिनिमम गारंटी, दूसरा है मल्टीपल जनरेशन। तो पहला वाला कंडीशन सीनियर डायरेक्टर, देन एक लाइन में डायरेक्टर क्वालिफाई हो, तीसरा हो 3600 ग्रुप पीवी। ये हो गया एक पार्ट। फिर दूसरा पार्ट, जब मैं इलिजिबल कर जाऊंगा तो क्या बोनसेस मुझे मिलेंगे। दो तरह की कैलकुलेशन आपको आएगा, एक होगा मिनिमम गारंटी, दूसरा होगा मल्टीपल जनरेशन। नाउ हम समझेंगे ये मिनिमम गारंटी क्या होता है और दूसरा हम समझेंगे ये मल्टीपल जनरेशन क्या होता है। देखिए, व्हाट इज मिनिमम गारंटी, राइट? दो चीजें हैं, मैंने कहा था आपको, एक है मिनिमम गारंटी, दूसरा है मल्टीपल जनरेशन। तो पहले हम बात करेंगे मिनिमम गारंटी है क्या। मिनिमम गारंटी आपको जब मिलता है, जब आप जो सीनियर डायरेक्टर हो, आपके इमीडिएट फ्रंट लाइन में कोई भी क्वालिफाइड डायरेक्टर या अबव होता है, उसके ऊपर आपको मिनिमम गारंटी मिलता है, राइट? मिनिमम गारंटी इज द फर्स्ट लेवल में, जो आपके जो फ्रंट लाइन में जो भी डायरेक्टर या अबव क्वालिफाई कर जाते हैं उनके बिजनेस पे आपको मिलता है मिनिमम गारंटी। इसका और डिटेल में जानते हैं, चलिए एग्जांपल में बताता हूं। ये एग्जांपल अगर मैं देखूं, यहां पे मैं हूं, मेरे नीचे एक सीनियर डायरेक्टर है ए, उनके नीचे बी है, उनके नीचे सी है, उनके नीचे डी है, उनके नीचे ई है। तो यहां पे मेरा फर्स्ट
क्वालिफाइड लेग कौन सा है? ए, मेरा इमीडिएट क्वालिफाइड लेग कौन है? ए, क्या ये डायरेक्टर अबव है? यस, डायरेक्टर अबव है। तो ये हो गया मेरा मिनिमम गारंटी लेग, ये हो गया मेरा मिनिमम गारंटी लेग। अभी सेकंड सिनेरियो में हम जाते हैं। अब देखिए यहां पे मैं हूं, मेरे नीचे ए है, ए के नीचे बी है, बी के नीचे सी है। मेरा जो इमीडिएट डाउनलाइन है वो है ए, जो कि क्वालिफाई नहीं है, बी उसके नीचे बी है वो भी क्वालिफाई नहीं कर गया, उसके नीचे सी है, सी क्वालिफाई कर गया। तो मेरा यहाँ पे फर्स्ट क्वालिफाइड लेग कौन है? सी इज माय फर्स्ट क्वालिफाइड लेग। तो सी का जो वॉल्यूम रहेगा उस वॉल्यूम पे मुझे मिलेगा मिनिमम गारंटी। चलिए हम थर्ड केस में जाते हैं। थर्ड केस में क्या हुआ है? मैं हूं, मेरे नीचे ए है, ए के नीचे बी है, बी के नीचे सी है, सी के नीचे डी है। ए क्वालिफाई नहीं कर गया, नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर, बी नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर, सी नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर, लेकिन हाँ डी क्वालिफाई कर गया सीनियर डायरेक्टर। तो कंडीशन अगर मैं देखूं तो क्या कहता है कि मेरे जो एक लेग में जो फर्स्ट क्वालिफाइड लेग होता है डायरेक्टर अबव, उसके ऊपर मुझे आएगा मिनिमम गारंटी। तो यहाँ पे ए क्वालिफाइड नहीं है, बी क्वालिफाइड नहीं है, सी क्वालिफाइड नहीं है, लेकिन डी क्वालिफाइड है। तो डी बन गया मेरा डायरेक्ट फर्स्ट क्वालिफाइड लेग, तो डी के ऊपर मुझे मिलेगा मिनिमम गारंटी। अब और एक सिनेरियो में हम जाते हैं कि यार ए क्वालिफाई नहीं है, बी नहीं है, सी नहीं है, डी नहीं है, लेकिन ई कर गया। मतलब मेरे और ई के बीच में जो चार लोग हैं, नोबडी इज क्वालिफाइड, देन उस हिसाब में मेरा इमीडिएट फर्स्ट क्वालिफाइड डायरेक्टर कौन है? फर्स्ट क्वालिफाइड डायरेक्टर होने यहां पे है ई, वो क्वालिफाइड कर गया डायरेक्टर। तो कंडीशंस क्या कहता था कि मेरा जो फ्रंट लाइन, जो फर्स्ट लेग, जो फर्स्ट जो भी हो, जो डायरेक्टर वो क्वालिफाई कर जाता है, उसके ऊपर मिलेगा मुझे मिनिमम गारंटी। तो यहाँ पे ई है, देखिए उसके ऊपर चार लोग है जो कि क्वालिफाई नहीं कर गए, लेकिन पांच और डेप्थ में जो है उसने डायरेक्टर क्वालिफाई कर गया है, तो इसके ऊपर मुझे मिलेगा मिनिमम गारंटी। वेरी सिंपल। नाउ सेकंड केस में हम जाते हैं। सर ये मल्टीपल जनरेशन क्या होता है? मल्टीपल जनरेशन इज अ काइंड ऑफ कैलकुलेशन बोनस जो दिया जाता है आपके फर्स्ट क्वालिफाइड सीनियर डायरेक्टर एंड अबव लेग के ऊपर। मिनिमम गारंटी पाने के लिए आपके फ्रंट लाइन में फर्स्ट डायरेक्टर हो, आपको मिनिमम गारंटी मिल जाएगा। लेकिन मल्टीपल जनरेशन आने के लिए आपको जरूरी ये होता है कि आप सीनियर डायरेक्टर हो और आपके नीचे एक सीनियर डायरेक्टर को आप प्रोड्यूस करें, आप उनको बनाए, तब आपको मिलेगा मल्टीपल जनरेशन। सर ये कैलकुलेशन मुझे समझ नहीं आ रहा, थोड़ा डिटेल में समझाइए, मिनिमम कहाँ मिलेगा और मल्टीपल जनरेशन कहाँ मिलेगा। चलिए मैं आपको ये भी एग्जांपल दिखाता हूं। अब यहां पे मैं हूं, मेरे जो डाउनलाइन में ए है जो कि क्वालिफाइड सीनियर डायरेक्टर कर गए, उनके नीचे बी है, उनके नीचे सी है, डी है, ई है। अब मान के चलिए मेरे लिए फर्स्ट क्वालिफाइड कौन है? ए। ए का लेवल क्या है? सीनियर डायरेक्टर। मतलब मुझे यहाँ पे दोनों चीजें मिलेंगे। पहला क्या मिलेगा? मुझे मिनिमम गारंटी मिलेगा ए के ऊपर। दूसरा मुझे मिलेगा मल्टीपल जनरेशन दोनों मिलेंगे। सर बी के ऊपर क्या क्या मिलेगा? सिर्फ आपको मिलेगा मल्टीपल जनरेशन। मिनिमम गारंटी आपको सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट जनरेशन, आपका जो फर्स्ट जनरेशन का क्वालिफाइड डायरेक्टर एंड अबव होता है उसके ऊपर ही दिया जाता है, ना कि सेकंड थर्ड फोर्थ पे। लेकिन मल्टीपल जनरेशन जो होता है वो दिया जाता है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। अगेन आपका जो टाइटल क्या होता है, कितने जनरेशन आप एलिजिबल हो, उसके बेस पे आपको ये दिया जाता है। होप इट इज वेरी क्लियर कि मिनिमम गारंटी क्या होता है। मल्टीपल सिंपल मिनिमम गारंटी, दो बोनस मिलेंगे आपको। पहला लीडरशिप प्रोडक्टिविटी कैलकुलेशन में मिनिमम गारंटी, दूसरा है मल्टीपल जनरेशन। मिनिमम गारंटी आपके जो इमीडिएट जो डाउनलाइन है, जो मिनिमम डायरेक्टर क्वालिफाई कर जाते हैं एंड अबव क्वालिफाई कर जाते हैं, उस बंदे के फर्स्ट डायरेक्टर क्वालिफाइड लेग जो होता है अबव, उसके ऊपर आपको मिनिमम गारंटी मिलेगा। मल्टीपल जनरेशन फर्स्ट से लेके जितना एलिजिबल है सबके ऊपर मिलेगा। मिनिमम सिर्फ फर्स्ट लेग पे मिलेगा, दूसरे लेगों पे आपको नहीं मिलेगा, लेकिन मिनिमम डायरेक्टर क्वालिफाई करना जरूरी है। अब सेकंड कैलकुलेशन में अगर मैं जाऊं, सर मैं क्वालिफाई हूं, मेरे नीचे ए है,
वो नॉन क्वालिफाइड है, मेरे नीचे उसके नीचे बी है, फिर उसके नीचे सी है, उसके नीचे डी है नॉन क्वालिफाइड है, उसके नीचे ई है, अब मुझे कैसे मिलेगा? पॉइंट नंबर वन, मैंने आपको क्या कहा था कि आपके नीचे जो फर्स्ट क्वालिफाइड डायरेक्टर अबव होता है उसके ऊपर आपको मिनिमम गारंटी दिया जाता है। तो यू के नीचे जो ए है इज अ नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर, तो उसके ऊपर आपको कुछ नहीं मिलेगा, इज नॉट एलिजिबल। बट जब बी की बात आती है तो व्हाट इज ही, इज अ सीनियर डायरेक्टर, तो उसके ऊपर आपको मिलेगा। नाउ बी बिकेम्स योर फर्स्ट जनरेशन, बी बन गए आपके फर्स्ट क्वालिफाइड जनरेशन, सो बी के ऊपर आपको मिनिमम गारंटी मिलेगा और आपको मल्टीपल जनरेशन भी मिलेगा। नाउ और एक कैलकुलेशन में हम जाते हैं, सर मान के चलिए ए क्वालिफाइड नहीं हुआ, बी भी नहीं हुआ, लेकिन सी क्वालिफाई कर गया, तब क्या होगा? ए के ऊपर नहीं मिलेगा, बी के ऊपर नहीं मिलेगा, लेकिन सी जो क्वालिफाई कर गया क्या लेवल है उसका, डायरेक्टर है नहीं, डायरेक्टर ना हो तो उसके ऊपर आपको मिलेगा मिनिमम गारंटी और मल्टीपल जनरेशन दोनों। फिर सी के नीचे डी है, डी के नीचे ई है, दोनों नॉन क्वालिफाइड है, फिर एफ है, तो एफ बन गया मेरा सेकंड जनरेशन। सर एफ के नीचे जी है, नॉन क्वालिफाइड है, जी के नीचे एच है, वो भी नॉन क्वालिफाई है, और एच के नीचे आई है, सभी लोग सीनियर डायरेक्टर, तब कब कहां मिलेगा मुझे? एफ सीनियर डायरेक्टर है, यस। तो मल्टीपल जनरेशन का कंडीशन क्या है कि आपको सीनियर डायरेक्टर रहना है कंपलसरी, तो ये सीनियर डायरेक्टर बन गया एफ, आपको मिलेगा। एच सीनियर डायरेक्टर, यस आपको मल्टीपल जनरेशन मिलेगा। आई, यस आपको मल्टीपल जनरेशन मिलेगा, मिनिमम गारंटी सिर्फ फर्स्ट लेग पे आपको मिलेगा। नाउ सर हु विल गेट एंड व्हाट दे विल गेट, याद रख लीजिए किस किस को क्या मिलेगा। ऑल सीनियर डायरेक्टर एंड अबव आपके डाउन लाइन में, आपके जो फ्रंट लाइन हो या डिफरेंट लेग्स में जितने भी सीनियर डायरेक्टर एंड अबव होते हैं उन सबके ऊपर आपको मिनिमम गारंटी मिलेगी और मल्टीपल जनरेशन मिलेगा। इसीलिए हम कहते हैं एक्चुअली लेवल जो स्टार्ट होते हैं ना, आपको ध्यान में क्या रखना है, आपको डायरेक्टर नहीं बनाने, आपको सीनियर डायरेक्टर ज्यादा बनाने हैं। सीनियर डायरेक्टर आप बनाओगे ना तो आपको सभी इनकम आएगा, आपको टीम बिल्डर बोनस आ जाएगा, आपको एलपी भी आएगा। तो आपका फोकस होना क्या चाहिए कि मैं मेरे टीम में मैं ज्यादा से ज्यादा सीनियर डायरेक्टर को मैं क्वालिफाई कर जाऊं ताकि मुझे टीम बिल्डर बोनस मिले और मुझे लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस मिले, ये दोनों मुझे मिलनी चाहिए। यहाँ पे गारंटी जो होता है ना, इसके ऊपर भी रूल्स है कुछ गारंटी के, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आप क्वालिफाई कर जाओगे राइट, आपको भी कुछ आपके अपलाइन को गारंटी देना पड़ता है, यू हैव टू पास ऑन समथिंग टू योर अपलाइन। जब आप क्वालिफाई कर जाते हो एलपीबी तो आपको आपके अपलाइन को एज ए थैंकनेस आपको उनको गारंटी पास ऑन करनी पड़ती है। तो इफ यू गेट गारंटी फ्रॉम योर लेग देन यू शुड ऑल्सो पास ऑन गारंटी योर अपलाइन, आपको नीचे से मिलेगा। नीचे अगर आपके टीम में कोई अगर क्वालिफाई कर जाता है एलपीबी क्वालिफिकेशन तो वो आपको गारंटी देगा, जिस तरह आप क्वालिफाई हुए हो तो आपको भी आपके अपलाइन को गारंटी देना जरूरी होता है। सर ये कैलकुलेशन कैसे होता है मैं बताता हूँ। यू विल रिसीव 5% ऑन पीजीपीवी, आपका जो पीजीपीवी रहा है उसके ऊपर आपको 5% मिलेगा एंड ग्रुप बी। इफ ही डज नॉट हैव एलपीबी लेग, अगर एलपीबी लेग नहीं है राइट, तो एंटायर पीजीपीवी के ऊपर आपको मिल जाएगा। ये कैलकुलेशन मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, डोंट गेट कंफ्यूज। और 180 पॉइंट विच एवर इज हायर, मतलब आपका जो 5% पीजीपीवी है वो या 180 पॉइंट्स जो गारंटीड पॉइंट्स है, दोनों में से जो हाई होता है वो आपको ऊपर देना जरूरी है। एट द सेम टाइम you will also get 5% of your PGBV or 190 points whichever is higher you will give aapke upline। aur ek baat aapko yaad rakhni hai, aapke aur aapka jo guarantee matlab jo first generation hai in dono ke beech mein jitne bhi non qualified director wagaira hote hain un sab ka volume aapko count kiya jata hai when it comes to guarantee ka jo aapko aata hai na minimum guarantee maine kaha tha aur multiple generation। मिनिमम गारंटी जब कैलकुलेशन किया जाता है तब आपके और जो आपका फर्स्ट जनरेशन जो है जो कि कहते हैं मिनिमम गारंटी, इन दोनों के बीच जितने भी नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर वगैरह होते हैं उन सबका वॉल्यूम पे आपको 5% मिलता है राइट, लेकिन मल्टीपल जनरेशन पे नहीं मिलता, वो कैलकुलेशन में आपको आगे बताने वाला। और इररेस्पेक्टिव ऑफ टाइटल यू विल रिसीव गारंटी,
आपका टाइटल एसडीए जो भी हो, आपको नीचे वाला अगर क्वालिफाई कर गया तो आपको मिलना ही मिलना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मल्टीपल जनरेशन, ये तो हो गया मिनिमम गारंटी। मल्टीपल जनरेशन यू विल गेट फ्रॉम प्योर पीजीपीवी फ्रॉम योर जनरेशन। आपके जो जनरेशन जो क्वालिफाई कर जाते हैं सीनियर डायरेक्टर, उनके प्योर पीजीपीवी सॉरी उनके जो पीजीपीवी है उसी के ऊपर मिलेगा आपको मल्टीपल जनरेशन कैलकुलेशन। ये कैलकुलेशन परसेंटेज कितना होता है मैं आपको आगे स्लाइड में बताने वाला हूं। तो क्या क्या ध्यान में रखा है आपने यहाँ पे, यू विल गेट फ्रॉम प्योर पीजीपीवी, मतलब आपके जो डाउनलाइन में जो सीनियर डायरेक्टर क्वालिफाई कर गए हैं उनका जो साइड वॉल्यूम है उसके ऊपर आपको मिलता है। एंड नॉन क्वालिफाइड वॉल्यूम बिटवीन टू जनरेशन इज नॉट कंसिडर्ड। अब जैसे मैंने आपको बताया था ना, यू यू के नीचे ए क्वालिफाई है, ए के नीचे बी है, बी के नीचे सी है, बी और सी क्वालिफाई नहीं है लेकिन डी क्वालिफाइड है, तो बी एंड सी का आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा। सिर्फ क्वालिफाइड जो सीनियर डायरेक्टर है उनके साइड वॉल्यूम पे आपको मल्टीपल जनरेशन दिया जाएगा। लेकिन व्हेन इट कम्स टू मिनिमम गारंटी पे क्या होता है कि फर्स्ट जनरेशन में दोनों अगर आपके और फर्स्ट जनरेशन के गैप में जो नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर होते हैं उनका वॉल्यूम भी कंसिडर किया जाता है। तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान में रखनी जरूरी है। नो और क्या चीजें मुझे ध्यान में रखना है, पहले आपको देखना है कि मेरा क्या टाइटल है, व्हाट इज माय टाइटल। जब भी आप कैलकुलेट करोगे राइट, तब आपको ध्यान में रखना है कि मेरा टाइटल क्या है, व्हाट इज माय टाइटल। नोट डाउन हाउ मच जनरेशन आई एम एलिजिबल। मैं आपको जनरेशन चार्ट आगे बताने वाला हूं कि कौन से लेवल वाले को कितना जनरेशन मिलेगा, क्या टाइटल रहेगा और क्या जनरेशन मिलेगा। तो आपको क्या देखना है, सीनियर मैं एससीडी हूं, ओके आई एम एलिजिबल फॉर थ्री जनरेशन। अगर आपके फोर्थ जनरेशन में एलिजिबल बनता है लेकिन आप टाइटल नहीं है आपका, देन यू शुड एम फॉर प्लैटिनम। तो आपका टाइटल देखना है और कितने जनरेशन आप एलिजिबल हो उस हिसाब में आप प्लान कर सकते हो। वेयर एवर देयर इज अ पर्सन इक्वल टू माय टाइटल आई विल गेट मल्टीपल जनरेशन बेनिफिट फ्रॉम दैट पर्सन, प्लस उसके नीचे जो तीन जनरेशन है वहां तक मुझे मिलेगा, अगेन सब्जेक्ट टू माय एलिजिबिलिटी। समझ में आया आपको, जहां कहीं मेरा टाइटल राइट मेरे डाउनलाइन का टाइटल इक्वल है, मतलब मैं ए हूं यू, मेरे नीचे वन है, वन के नीचे टू है, मान के चलिए टू एसीडी है, मैं भी एसीडी हूं, तो एसीडी जो टू है उसके नीचे तीन जनरेशन तक मैं कमा सकता हूं एलपीबी। सब्जेक्ट क्या है कि मेरा टाइटल क्या है और कितने जनरेशन में एलिजिबल हूं, ये मुझे ध्यान में रखना जरूरी है। तो मैं जो एक चार्ट बताने वाला हूं आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये चार्ट आपको डिसाइड करेगा कि आपका जनरेशन कहां तक जाएगा। और सेकंड कंडीशन, अगर आपका टाइटल हायर है राइट, अगर आपके नीचे कोई इक्वल टाइटल वाला है तो क्या होगा, अगर आपके नीचे आपसे हायर टाइटल वाला है तो क्या होगा। जैसे मैंने आपको कहा था आपके डाउनलाइन में अगर किसी का टाइटल आपके इक्वल में होता है तो जो इक्वल टाइटल है उसके नीचे तीन जनरेशन तक आप एलिजिबल हो सब्जेक्ट टू योर क्वालिफिकेशन। अगर कोई आपका डाउनलाइन है जिसका टाइटल आपसे बड़ा टाइटल है, हिज टाइटल इज बिगर देन यू, तब क्या करना है आपको। व्हेनेवर देयर इज अ पर्सन अबव योर टाइटल, मेरे टाइटल के ऊपर अगर किसी का टाइटल है तब मेरा जनरेशन वहीं पे रुक जाएगा। मान के चलिए शफी, शफी के नीचे वन है, टू है, थ्री है, थ्री का मैं एसीडी हूं और मेरा जो थर्ड जनरेशन है वो है प्लैटिनम, तो मेरा प्लैटिनम के पास आके रुक जाएगा, उसके नीचे दो मैं एलिजिबल हूं, मुझे कुछ बोनस नहीं मिलेगा। वैसे टाइम पे आपको टाइटल जंप करना जरूरी होता है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है व्हेन इट कम्स टू एलपीबी कैलकुलेशन। मैं आपको चार्ट भी दिखा रहा हूँ अभी, देखिए यहाँ पे राइट, वेरी इंटरेस्टिंग। मैं हूं, मेरे नीचे एसडी है, मैं सीडीडी हूं, ध्यान में रखिए आई एम अ क्राउन डायमंड डायरेक्टर। मेरे नीचे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे इतने सारे लोग हैं, ए से लेके आई तक सभी लोग सीनियर डायरेक्टर, मतलब ऑल लेक्स आर एलिजिबल एंड जे इज अ डायरेक्टर। इस हिसाब में मुझे मिनिमम गारंटी कहां पे मिलेगा, मुझे मिनिमम गारंटी मिलेगा ए के ऊपर, बिकॉज ए इज माय फर्स्ट जनरेशन।
एज अ क्राउन डायमंड डायरेक्टर आई एम एलिजिबल फॉर हाउ मेनी जनरेशन, 6 जनरेशन। तो मुझे मल्टीपल जनरेशन कहां तक मिलेगा? 6 जनरेशन क्या हो गया? 1, 2, 3, 4, 5, 6 जनरेशन मिलेगा। अब मान के चलिए सेकंड केस में मैं क्राउन डायमंड डायरेक्टर हूं और सी भी क्राउन डायमंड डायरेक्टर है, तब क्या होगा? मुझे सी के नीचे डी ई एफ वहां तक मिलेगा, उसके नीचे मैं नहीं जा पाऊंगा। क्यों? मैं क्राउन डायमंड डायरेक्टर हूं और सी भी क्राउन डायमंड डायरेक्टर है, हम दोनों का लेवल एक हो गया। व्हेनेवर मेरा और मेरे डाउनलाइन का टाइटल इक्वल हो जाता है, तब उस टाइटल से नीचे 3 जनरेशन तक मैं इनकम ले सकता हूं, सब्जेक्ट टू अगेन एलिजिबिलिटी। मेरा चार्ट में आपको नेक्स्ट टाइम बताने वाला। सेकंड केस में अब ए बी सी डी सभी लोग सीनियर डायरेक्टर हैं, लेकिन ई जो है वो बन गया आरबीडी और मेरा टाइटल क्या है? मैं हूं क्राउन डायमंड डायरेक्टर। तो मेरा जो डाउनलाइन है ई, उसका टाइटल मेरे टाइटल से बड़ा है, तब क्या होगा? ई के पास रुक जाएगा, ई के नीचे भले जितने भी जनरेशन हो मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। सो पीपल लूज आउट मनी हियर। तो आपको करना क्या चाहिए इस टाइम पे? यू शुड हिट आरबीडी। क्यों? यू आर लूजिंग मनी ऑन होम एफ जी एच, ये तीन लेग से पैसा आपका छूट रहा है। तो आपको क्या करना है? ई के बाद आरबीडी है ई, तो आपको भी आरबीडी टाइटल पे जाना चाहिए, सो दैट एफ जी और एच ये तीनों का जो वॉल्यूम है ये पैसा आपको आए। देखिए अंडरस्टैंडिंग जनरेशन ये आप थोड़ा समझ लीजिए। मैं एक जगह मैंने रखा है टाइटल आपका सीनियर डायरेक्टर ईडी एसईडी प्लैटिनम प्रेजेंशियल क्राउन डायमंड डायरेक्टर आरबीडी जीबीडी। जनरेशन मुझे कितने मिलेंगे? अगर मैं सीनियर डायरेक्टर हूं तो मुझे 1 जनरेशन मिलेगा। जनरेशन मतलब क्वालिफाइड सीनियर डायरेक्टर। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूं 2 जनरेशन मिलेगा। एसईडी हूं 3 जनरेशन मिलेगा। प्लैटिनम हूं 4 जनरेशन मिलेगा। प्रेजेंशियल हूं 5 मिलेगा। सीडीडी हूं 6 मिलेगा। आरबीडी हूं 7 मिलेगा। जीबीडी हूं 8 जनरेशन मिलेगा। कितना मिलेगा वो भी आप कैलकुलेशन देंगे। मैं सीनियर डायरेक्टर हूं तो फर्स्ट जनरेशन पे 5% मिलेगा। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूं मुझे 2 जनरेशन पे 5% मिलेगा। सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूं तो 3 जनरेशन तक मुझे 5% मिलेगा। प्लैटिनम हूं 3 जनरेशन तक 5% मिलेगा और 4th जनरेशन में मुझे 4% मिलेगा। मैं प्रेजेंशियल डायरेक्टर हूं 3 जनरेशन मुझे 5% मिलेगा, 4th जनरेशन पे मुझे 4% मिलेगा और 5वें जनरेशन पे 3% मिलेगा। क्राउन डायमंड डायरेक्टर हूं तो मुझे 3 जनरेशन से 5% मिलेगा, 4th जनरेशन पे 4% मिलेगा, 5वें जनरेशन पे 3% मिलेगा, 6th जनरेशन पे 2% मिलेगा। आरबीडी हूं 3 जनरेशन पे 5% मिलेगा, 4th जनरेशन पे 4%, 5वें जनरेशन पे 3%, 6th जनरेशन पे 2%, 7th जनरेशन पे 1%। जीबीडी हूं 3 जनरेशन तक 5%, 4th जनरेशन पे 4%, 5 जनरेशन पे 3%, 6th जनरेशन पे 2%, 7th जनरेशन पे 1% और 8वें जनरेशन पे 0.5। तो आपको ध्यान क्या रखना है, ये जो परसेंटेज मैं आपको बता रहा हूं ये आपके टाइटल के ऊपर डिपेंड करता है। मान के रखिए कि आपके डाउनलाइन में आप 8 जनरेशन में आपके सीनियर डायरेक्टर हैं, लेकिन आपका टाइटल एसईडी है, तो आप कितने जनरेशन छूट रहे हो? 4 जनरेशन आपके छूट रहे हैं। 4, 3, 2, 1, 0.5 ये सभी आपके जनरेशन छूट रहे हैं। तो आपको करना क्या चाहिए? यू शुड प्लान फॉर जंपिंग अ टाइटल। सो कई बार ऐसे होता है कि आपके लेग क्वालिफाइड होते हैं लेकिन आपका टाइटल नहीं होता, सो इसीलिए आप जनरेशन का पैसा आपसे छूटता है। तो ये जो चार्ट है ये भी बहुत जरूरी है, ये चार्ट को आप ध्यान से समझें। देखिए ये कुछ एग्जांपल्स मैं आपके देना चाह रहा हूं, राइट? सिंपल कंपैरिजन। मैं हूं सीनियर डायरेक्टर, मैंने 50,000 का साइड वॉल्यूम किया है और मेरे नीचे एक डायरेक्टर का वॉल्यूम है 1,00,000। सर मुझे कितना पैसा मिलेगा? सिंपल, मेरा जो साइड वॉल्यूम है 50,000 उस पे मुझे मिलेगा 5%, 2,500। मेरा जो डाउनलाइन है उसका है वॉल्यूम
एक लाख पे 5%, तो कितना हो गया 5, 6, 7, 7.5 हजार, और मुझे गारंटी कितना देना है ऊपर 4,860 पॉइंट्स, सो 7,500 टोटल मुझे पॉइंट्स मिले हैं, जिसमें से मैं 4,860 में माइनस करूंगा तो मुझे मिलेगा 2,640 पॉइंट्स। 2,640 इंटू 2.5 रेशियो अगर मैं लगाता हूं, जो कि एलपीबी का पॉइंट वैल्यू मैं लगा रहा हूं रफली, तो आपको मिलेगा 6,600 रुपया, राइट? दिस इज रफ एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल आप देखिए, मैं सीनियर डायरेक्टर हूं 30,000, और मेरे डाउनलाइन में आकाश है जो कि डायरेक्टर है 1,00,000, तब मुझे एलपीबी कितना मिलेगा 30% फर्स्ट जनरेशन, मेरे साइड वाले पे मुझे कितना मिलेगा 5%, 30,000 का 5% हो गया 1,500, मेरा डाउनलाइन जो फर्स्ट जनरेशन है उसके ऊपर कितना मिलेगा, अगेन मिलेगा मुझे 5%, 1,00,000 के ऊपर 5%, 5,000 हो गया। तो 5,000 माइनस 4,860 करूं तो कितना बचा 140 प्लस 1,600 इंटू 2.5 4,100 मुझे मिलेगा एलपीबी। ये रफली कैलकुलेशन में आपको दिखा रहा हूं। अब यहां पे बात करेंगे कि मेरे दो लेख हैं, मैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूं और मेरे दो लेख हैं, दोनों के दोनों डायरेक्टर हैं, 1,00,000 एक वॉल्यूम कर रहा है, दूसरा 1,00,000 बीवी कर रहा है, तब मुझे कितना मिलेगा, एलपीबी कैलकुलेशन करते हैं। तो फर्स्ट मुझे साइड वॉल्यूम पे कितना मिलेगा 5%, सो मैंने साइड वॉल्यूम कितना किया मेरा 30,000, 30,000 इंटू 5 अगेन मिला मुझे 1,500 पॉइंट्स मेरे साइड वॉल्यूम में। आकाश का 1,00,000 और चेतन का 1,00,000 दोनों मिला के 2,00,000 हो गया, 2,00,000 के ऊपर 5% मिलेगा मुझे 10,000, 10,000 माइनस 4,860 मिलेगा 6,640, सो 6,640 कितना हो गया इंटू 2.5 16,600, ये बन गया मेरा चेक, प्लस 1,500 का भी मैंने कैलकुलेट किया है, तो टोटल बन गया 16,600 चेक मेरा। और मैं थर्ड लेग में जाता हूं, मैंने क्या किया, विड्थ डेवलप किया, अब मुझे कैसे मिलेगा देखिए, अगेन मैं सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन गया, 30,000 मैंने साइड वॉल्यूम की, मैंने आकाश को डायरेक्टर बनाया, बीजू को डायरेक्टर बनाया, चेतन को डायरेक्टर बनाया, और तीनों ने 1,00,000 का ग्रुप बीवी किया है, तो मुझे कितना मिलेगा 5% मेरे साइड वॉल्यूम पे, मेरा साइड वॉल्यूम कितना है 30,000, 30,000 पे 5% अगेन आ गया 1,500 पॉइंट्स मुझे आ गया। आकाश बीजू चेतन 1,00,000, 1,00,000, 1,00,000 कुल मिला के हो गया मेरा 3,00,000, 3,00,000 के ऊपर 5% अगेन हो गया 15,000, 15,000 माइनस 4,860 मिल गया 11,640, 11,640 इंटू 2.5 करूं अगेन मैं तो मुझे मिल गया 29,100, जिसे मैं 1,500 पॉइंट भी ऐड कर रहा हूं, तो कुल मिला के 30,000 रुपए का मुझे चेक आ जाएगा। यहां पे आपको करना क्या चाहिए कि आपके जो डाउनलाइन है आकाश बीजू चेतन, इन लोग को आपको ज्यादा डायरेक्टर बनाने हैं उस लिए, तब आपको क्या हो जाएगा, आपका जेनरेशन बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए यहां पे देखिए कि मैंने क्या किया, थोड़ा सा स्ट्रक्चर को मैंने चेंज कर दिया, जैसे आप देख पा रहे हो आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो, आपके नीचे आकाश है, ईडी बन गया, बीजू ईडी बन गया, आकाश के नीचे एक डायरेक्टर है, एक एनक्यूडी है, फिर उसके नीचे डायरेक्टर है, फिर आप देखिए स्ट्रक्चर देखिए, ऐसे स्ट्रक्चर में अब मैं एलपीबी प्लान करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा देखिए 34,000 रुपीस मुझे सिर्फ आएगा एलपीबी। यही एलपीबी अगर मैं पुराना प्लान लेता तो मुझे आता था 21,000 रुपया, मतलब नए प्लान में पुराने प्लान में अगर मैं अंतर देखूं 13,000 रुपीस इज अ चेंज। तो स्ट्रक्चर आपको क्या करना चाहिए, थोड़ा सा ना आपको स्ट्रक्चर डेप्थ में जाके काम करना चाहिए, या स्ट्रक्चर शुड नॉट बी एक लेग डाउन एक लेग बना दिया, नो गो एंड वर्क इन अ डेप्थ। ये भी आप देख सकते हो, यहाँ पे भी आप देख लीजिए, ये दिस इज अ एग्जांपल आई हैव गिवन, यहाँ पे भी आपको बनता है 21,120 का चेक। नाउ बहुत सारे लोग बोलते हैं सर हाउ डू आई बिल्ड लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस, मुझे पता है गेम चेंजर क्या है टीम बिल्डर बोनस है, गेम चेंजर क्या है लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस है, ये दोनों चीज अगर आपको चाहिए तो आपको क्या करने हैं, किस चीज पे आपको फोकस करने है। पॉइंट नंबर वन, जितने हो सके उतने सीनियर डायरेक्टर बनाइए आपकी टीम, एक नहीं दो नहीं तीन नहीं 10 बने बनाइए, जितने ज्यादा सीनियर डायरेक्टर बनकर आएंगे उतना ज्यादा आपका पैसा बनेगा। आपको करना क्या चाहिए, पांच बुलेट आपको फोकस करने,
पॉइंट नंबर वन, हर महीना आप अपनी टीम में एक आदत डालिए कि हर एक डाउनलाइन को मिनिमम 2000 पर्सनल बीवी करनी है 10 तारीख से पहले। क्यों? हर एक का पीजी बीवी बढ़ेगा और आपका टीम बिल्डर बोनस और आपका एलपीबी हमेशा पे किया जाता है साइड वॉल्यूम के ऊपर। तो साइड वॉल्यूम अगर आपको बढ़ाना है तो आपको जितना भी बिलिंग है आपके टीम में 10 तारीख के अंदर 2000 पर्सनल बीवी की आप आदत डाल लीजिए। क्यों? 10 तारीख 8 या 9 को चेक गिरेगा, बोलिए 10 तारीख को आप बिलिंग कर लीजिए पर्सनल बीवी। सेकंड, आस्क देम टू स्पॉन्सर मिनिमम 2 फ्रंटलाइंस एवरी मंथ। फ्रंटलाइन कहां से आएंगे? होम मीटिंग से आएंगे। 2 फ्रंटलाइंस को अगर ये ज्वाइन करते हैं, मानिए 2 एक महीने में, तो 12 महीने में हो गए 24 लोग। 24 लोग से अगर 4 लोग भी सीरियस लोग निकल के आ गए, देन आपका एलपीबी लेग, 1-2 तो लेग आपका बने ही बनेगा। तीसरा, आपको क्या फोकस करना है कि हर लेग में जितने भी सारे आपके लेग हैं, उस लेग में आप सीनियर डायरेक्टर को बनाइए, गेम चेंजर सीनियर डायरेक्टर। और जितने भी सीनियर डायरेक्टर लेग आपका बन रहा है, आपका मिनिमम फोकस ये होना चाहिए कि हर सीनियर डायरेक्टर लेग जो फ्रंटलाइन लेग मेरा है, उस लेग से मुझे 1,00,000 का जीबीवी आए। क्यों? 1,00,000 जीबीवी मतलब क्लोज टू 3,600, देन यू आर डन विद एलपीबी। आपको ये फोकस है। सर, अभी एलपीबी के लिए मुझे कैसे प्लान करने चाहिए? सिंपल फंडा मैं आपको बताता हूं। हर सीनियर डायरेक्टर लेग, आपके जो फ्रंटलाइन है, हर फ्रंटलाइन लेग में आप डीपी प्लान कीजिए। बिकॉज एवरेज आज हिंदुस्तान में हर डीपी एवरेज 1-2 लाख का बिजनेस कर रहे हैं, मतलब आपको 1,00,000 का जीबीवी दे रहा है। अगर एक लेग में आप 2 डीपी खोलोगे, मैं बता रहा हूं वो लेग आपका 3 महीने के अंदर एलपीबी चला जाएगा, आराम से चला जाएगा। अगर आपके 4 लेग हैं, 8 डीपी खोलिए आप, 8 डीपी अगर आप खोलेंगे तो 4 के 4 लेग आपके एलपीबी जाएंगे 3 महीने में। डीपी खोला, डीपी वालों को सपोर्ट कीजिए, होम मीटिंग कीजिए, देन दैट इज अ गेम चेंजर। ओपन मोर डीपीज एंड फोकस ऑन एटलीस्ट 150 लॉयल्टीज मेंबर्स। मतलब आपका जो हर एक लेग होता है, मान के चलिए जैसे मैंने आपको कहा था सीनियर डायरेक्टर, एवरी सीनियर डायरेक्टर लेग शुड हैव 150 लॉयल्टी मेंबर्स, या तो एवरी डीपी शुड हैव 150 लॉयल्टी मेंबर्स। आई एम टेलिंग यू दिस विल गिव यू एलपीबी, दिस इज अ गेम चेंजर। डोंट डू सो मेनी थिंग्स एट अ टाइम, डू वन थिंग, डू इट कंसिस्टेंसली। तो ये 5 चीजें जो है, दिस विल वर्क एज अ बुलेट। तो क्या करनी है? Your first preference should be, आपको minimum 2000 personal BV करना है every month 10th के अंदर। दूसरा, हर महीना 2 लोगों को sponsor कीजिए। Frontline में बात कर रहा हूँ। ये क्या होगा frontline से? एक तो आपको leader निकल कर आएगा, दूसरा आपका side volume बढ़ेगा। तीसरा, frontline में maximum कोशिश कीजिए कि आप senior director को maximum से maximum senior director को आप बनाएं। चौथा, आपको फ्रंटलाइन जो है जितने भी ले गए सीनियर डायरेक्टर बनाइए और 1,00,000 जीबीवी पे काम कीजिए। कैसे 1,00,000 जीबीवी ले जाना है, कैसे सीनियर डायरेक्टर बनाए, जितने भी हर लेग में सीनियर सीरियस लोग हैं जो 13% के अबव है, उन सबके डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट खोल दीजिए, आप उनको सपोर्ट कीजिए। आई एम टेलिंग यू थिंग्स विल चेंज। एंड एवरी डीपी एंड एवरी एसडी लेग, वन लेग शुड हैव 150 लॉयल्टी मेंबर्स, देन यू आर डन विद दिस थिंग। एंड इफ यू आर प्लानिंग फॉर, सब लोग पूछे सर इफ आई वॉन्ट टू गेट 1,00,000 और 2,00,000 चेक, वॉट शुड बी ए स्ट्रक्चर? द स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल, सी वर्क ऑन दिस स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर अगर आप फोकस करोगे, आई एम गिविंग यू गारंटी, योर चेक विल बी 150 से लेके 2,00,000 तक योर चेक विल गो। यहाँ पे आप देखिए, यू हैव 4 सीनियर डायरेक्टर इन एवरी लेग एंड यू हैव 1 डायरेक्टर एंड एवरी लेग इज एलपीबी क्वालिफाइड, दिस इज अ गेम चेंजर। सो आपको इस स्ट्रक्चर पे आपको फॉलो करना है। ये स्ट्रक्चर बनाने के लिए आप कोशिश कीजिए, एवरी लेग शुड हैव 2 डीपीस, एवरी लेग शुड डू 150 लॉयल्टी, दैट्स इट। ये आपको फोकस करना है। और ये मेरा नंबर है, आई टेक केयर ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। अगर आपका कोई टीम है, अगर आप टीम स्टार्ट करना चाहते हो दोनों स्टेट में, यू कैन रीच मी ऑन दिस नंबर। सो दैट्स इट मैडम फ्रॉम माई एंड, एंड ओवर टू यू रेखा मैडम। थैंक यू। थैंक यू सो वेरी मच सर। आप स्क्रीन ऑफ कर दीजिए प्लीज। वाओ, दिस इज फैंटास्टिक। बिल्कुल आपने सही कहा था, सिंपलिसिटी के साथ सारी क्लैरिटी आप करा देने वाले हैं, जो आपने करा दी शफी भाई। और हमेशा ही आप जब आते हैं तो बहुत खूबसूरती से सब कुछ डिलीवर करते हैं, एंड यही आज आपने किया। और एलपीबी ना एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक है,
अब वैसे तो हमारी कंपनी का कंप्यूटर कैलकुलेट करता है, हमें कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती है, बट हाँ विजुलाइज करने के लिए, राइट माइंडसेट करने के लिए, राइट स्ट्रक्चर बनाने के लिए सारी कैलकुलेशन जो है वो जरूरी होती है। और आज आपने बहुत सारी क्लैरिटी कर दी शफी भाई। शफी भाई एक आध क्वेश्चन है मेरे पास, है ना, व्हाट्सएप पे मैसेज आए हैं, मैं उनको बुला रही हूँ, दे विल आस्क फ्यू क्वेश्चन। प्लीज परफेक्ट, जस्ट अ मिनट। एक तो हमारे अजय मलिक जी हैं, अजय जी कुछ एक क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं। एक्चुअली आज का सेशन भी उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि मैम है ना ये करा दो प्लीज, एक एलपीबी सेशन करा दो शफी भाई से। यस अजय, अजय जी। यस यस मैम, थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच शफीउद्दीन सर, आज इतना क्लैरिटी आपने दिया तो बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। सर मेरा एक क्वेश्चन ये है कि अगर हमारा डाउनलाइन एलपीबी क्वालिफायर है और एलपीबी क्वालिफायर नहीं है, उन केसेस में क्या डिफरेंस होगा? सी एलपीबी क्वालिफायर अगर होगा तो आपको एलपीबी बोनस मिलेगा, नहीं क्वालिफाई होगा तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। नहीं, लेट्स सपोज अभी मेरा एक लेग एलपीबी बिल्ड हो चुका है, ठीक है, यानी 3600 पीबी वहां से आ रहा है, एक तो वो केस है, एक डिफरेंट केस है जहां पे मेरा डाउनलाइन भी एलिजिबल हो जाता है एलपीबी बोनस के लिए, तो क्या मेरा कोई बोनस मेरे प्रस्पेक्टिव से मेरा कुछ डाउनग्रेड होता है टाइप में? ये दो चीजें मैंने आपको बताई थी, पहला ये है कि यहाँ पे दो तरह के कैलकुलेशन है, एक है मिनिमम गारंटी और दूसरा है मल्टीपल जनरेशन। मिनिमम गारंटी आपको सिर्फ डायरेक्टर पे मिलता है, मल्टीपल जनरेशन आने के लिए सीनियर डायरेक्टर होना बहुत जरूरी है। तो सीनियर डायरेक्टर अगर बनता है तो एक्चुअली यू आर गेटिंग मोर इनकम, आपको पैसा, आपका इनकम बढ़ता है। अगर वो सीनियर डायरेक्टर नहीं होता तो मल्टीपल जनरेशन आप एलिजिबल ही नहीं होगे ना। यस सर, ओके सर, ठीक है अजय, क्लियर हुआ? यस मैम, यस मैम, थैंक यू सर। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक, राइट शफी भाई, एक एक ही क्वेश्चन था, बाकी तो हमारे पास लिस्ट पूरी आई थी, पर आपने सारे ही क्वेश्चंस आज के आपके सेशन में बिल्कुल क्लैरिटी हो चुकी है, तो बिल्कुल कूल, और लगातार आप अवेलेबल हैं ही, हमें आप मिलते रहते हैं, आप आते रहते हैं। वेडनेसडे में जो वेल्थ हम पार्ट करते हैं वो डेफिनेटली आप ही हमें करा रहे हैं, तो कुछ भी आगे होगा तो हम फिर से एक सेशन कर लेंगे इसमें और एडवांस कैलकुलेशंस के लिए। बिल्कुल मैडम, आज मैंने क्या किया मतलब आई ट्राई टू एक्सप्लेन, बिकॉज एलपीबी समझने के लिए ना एटलीस्ट बहुत टाइम लगता है, तो मैंने क्या किया मोटा मोटा आपको बताया। अगर मैं, मेरा मानना एक ही चीज है मैडम, के ज्यादा आप डोंट ट्राई टू डू अ कैलकुलेशन बिकॉज वो सिस्टम देख लेगा। मुझे ये पता होना चाहिए कि मुझे करनी क्या चाहिए, मुझे करना क्या चाहिए। तो मैंने आपको बताया मल्टीपल जनरेशन कैसे आता है, मिनिमम गारंटी कैसे आता है। आपको सीनियर डायरेक्टर ज्यादा से बिल्ड कीजिए, एक लेख से एक लाख आ गया काफी है। और आपको ध्यान में रखना है कि आपका टाइटल क्या है और आप कितने जनरेशन एलिजिबल हो। अगर ये अगर आपको पता है देन यू कैन प्ले द गेम। परफेक्ट, परफेक्ट भैया, थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच, थैंक यू, दैट्स ग्रेट। राइट फ्रेंड्स, तो एक रिवीजन करते हैं कि एलपीबी, ज्यादा से ज्यादा एलपीबी कमाने के लिए हमें क्या क्या करना होता है। मैंने पॉइंट्स बनाए हैं और मैं आपको वन बाय वन उनको समराइज करना चाहूंगी। सबसे पहले एलपीबी कमाने के लिए आपको सीनियर डायरेक्टर बनना होता है, तो पहला फोकस हम क्या होता है जब हम इस बिजनेस में आते हैं, तो चलो भैया पहला करना क्या है, हमें डायरेक्टर बनना है, हम शुरू से डायरेक्टर पे फोकस रखते हैं। और डायरेक्टर करने के लिए हमको क्या करना है, अच्छा ठीक है, हमारे को अपना डायरेक्टर का क्राइटेरिया हमारे माइंड में रहता है और हम उसके लिए काम करते हैं। हम जैसे ही ज्वाइन करते हैं तब से ही हमें फोकस रखना है कि हमें सीनियर डायरेक्टर बनना है, यानी खाली खुद डायरेक्टर नहीं बनना है, अपने नीचे डायरेक्टर भी बनाना है। तो अपने लोगों को साथ लेकर के चलो, अपने माइंड पे वो लीडरशिप डेवलपमेंट फर्स्ट डे से अपने माइंड पे रख करके चलो कि मुझे एज लीडर बिहेव करना है, मेरे को जो डायरेक्टरशिप मेरे लिए लानी है वही डायरेक्टरशिप मुझे अपने नीचे लोगों के लिए भी लानी है, उनको भी लीडर बनाना है। तो शुरू से ही लोगों की पर्सनल ग्रोथ पर आपका फोकस होना चाहिए, उनके डेवलपमेंट पर आपका फोकस होना चाहिए। तो पहला काम यह करना है कि हमको सीनियर डायरेक्टर बनना है। दूसरा काम हमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लोग मिस कर जाते हैं, वो इस बिजनेस में करना है एलपीबी लेने के लिए, आपको सीनियर डायरेक्टर बनाने हैं। देखिए ये बात तो सच है कि खाली आपके नीचे डायरेक्टर ले गए और उसका है ना 3600 पीवी हो गया, ग्रुप पीवी हो गया, आपको मिलने तो लगता है, पर ज्यादा अगर आप कमाना चाहते हैं, आप मल्टीपल जनरेशन भी कमाना चाहते हैं और मिनिमम गारंटी भी कमाना चाहते हैं, दोनों कमाना चाहते हैं, तो बेहतर ये रहेगा कि आप सीनियर डायरेक्टर ज्यादा बनाओ। अब ये हमारी गलती कहाँ होती है, हमारा मोदी केयर का प्लान ऐसा है कि भैया आपने एक डायरेक्टर बना लिए तो आप सीनियर डायरेक्टर हो गए, दो डायरेक्टर बना लिए तो आप ईडी हो गए, तीन डायरेक्टर बना लिए तो आप एसईडी हो गए। तो हमारे दिमाग में सबके, और हमारे जब हम मीटिंग्स करते हैं तो हम एसईडीज के लिए ताली बजवाते हैं, प्लेटिनम के लिए ताली बजवाते हैं, फिर जीबीडी के लिए माला होती है, मतलब वो लेवल्स को हम इतना रिकॉग्नाइज करते हैं कि हमारा ब्रेन बाय डिफॉल्ट लेवल पे सेट हो जाता है। और लेवल्स कैसे, 14 लोगों को डायरेक्टर बना लो तो भैया जीबीडी हो जाओगे,
तो हम जो कि अपने आप में बहुत जरूरी भी है, आप वृद्ध बनाओगे तभी सारी जनरेशन का फायदा उठा सकोगे, तो हम फोकस डायरेक्टर बनाने पे कर लेते हैं और वहीं हम मार खा जाते हैं कि भैया चलो मिनिमम गारंटी तो हमें मिल जाती है कि हमारी कोई डायरेक्टर ले गए और उनका अगर 3600 जीपीवी है तो हमें मिनिमम गारंटी मिलती है, पर जो पूरा बेनिफिट हमें मिलता है या लॉन्ग टर्म बेनिफिट जो मिलता है वो एसडी बनाने पर मिलता है। तो शुरू से हमें क्या करना है, एसडी बनाने पर फोकस करना है। तीसरी बात, अगर आपने नोटिस करी हो कि फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, जब भी बात हो रही है पीजीबीवी की बात हो रही है, पीजीबीवी, पीजीबीवी को हम लेमैन लैंग्वेज में कहते हैं साइड वॉल्यूम। तो जब जितना ज्यादा आपके ग्रुप में पीजीबीवी होगा उतने ज्यादा आपको बोनसेस मिलेंगे। पीजीबीवी कैसे आएगा कि जो भी हमारे राइजिंग स्टार्स हैं वो बेसिक कर रहे हैं, वो प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं, वो लिस्ट बना रहे हैं, वो लोगों को इनवाइट कर रहे हैं, तो आप परिवर्तन आपकी हो रही है, आपके ग्रुप में परिवर्तन बिल्ड हो रही है, आपके ग्रुप में टीटीटीज हो रही है, आप लोगों को प्लान प्रेजेंटेशन सिखा रहे हो, अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करना सिखा रहे हो, ड्रीम शेयर करना सिखा रहे हो, आप लोगों को टेस्टिमोनियल करना सिखा रहे हो, लोगों को एडिफाई करना सिखा रहे हो, ये बेसिक काम जब होंगे, होम मीटिंग करना सिखा रहे हो, लोगों की होम मीटिंग्स में जा रहे हो, तो आप अपने लोगों को, जब आप लोगों को एम्पावर करते हो प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए तो पीजीबीवी बढ़ता है। तो पूरी टीम में आप किसी भी लेवल पे हो, अगर आप बेसिक करते रहोगे, प्रोस्पेक्टिंग पे फोकस रखोगे तो पूरी टीम का पीजीबीवी अच्छा होगा। दूसरा, जो भी कंपनी प्रमोशन देती है अगर आप उस प्रमोशन का मोमेंटम बिल्ड करोगे तो आपकी टीम का पीजीबीवी अच्छा होगा, क्योंकि कंपनी जितनी भी प्रमोशन देती है उसमें होता क्या है, चार का स्ट्रक्चर बनवाया या गोवा का किया या कोई भी आप देखोगे प्रमोशन आता है ना पीजीबीवी से रिलेटेड आता है। तो जब पीजीबीवी आप किसी भी कंपनी के प्रमोशन पे जो पीजीबीवी का स्ट्रक्चर मांग रहे हैं उसके लिए पूरे ग्रुप को पुश करोगे, आप लोगों को गोवा क्वालिफाई करने के लिए मोटिवेट करोगे, वाइजैक क्वालिफाई करने के लिए मोटिवेट करोगे, ऑटोमेटिकली राइट स्ट्रक्चर सेट होगा, हर कोई बेसिक करेगा, पीजीबीवी बढ़ेगा। तो कंपनी के जो ऑफर्स होते हैं उन पर राइड कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ज्यादा एलपीवी लेने के लिए। देन कम्स की फोकस ऑन विड्थ एंड डेप्थ बोथ। अगर आप सोचो कि जी मैं बस ज्वाइन किया हूँ, अब बस मुझे जीबीडी जाना है, बस डायरेक्टर डायरेक्टर बनाता जाऊँ और जल्दी से जल्दी अपने लेवल, मुझे एसीडी जाना है, प्लेटिनम जाना है, क्राउन जाना है, मुझे सारे बोनस खोलने हैं, हम विड्थ पर फोकस कर लें और उन लोगों को खाली डायरेक्टर यानी वो 1250 पीजीबीवी कर दे रहे हैं बस उतना ही हमारे लिए काफी है, उस डायरेक्टर लेग के लिए तो बस उनको बनाया, बेसिक सिखाया और फिर आगे बढ़ गए, नहीं। आपको ये पता होना चाहिए कि आपको जो एलपीवी बोनस आएगा वो नीचे 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 8th जनरेशन तक आपको मिलेगा। तो आप न केवल आगे बढ़ते जाएं, लोगों को डेवलप करें, एम्पावर करें, उनके नीचे नीचे डेप्थ में भी काम करना है, और क्योंकि आपको वो जनरेशन का बेनिफिट लेने के लिए आपकी विड्थ भी होनी चाहिए, आपके लेवल भी होना चाहिए, तो आपको विड्थ पर भी काम करना है। और इन विड्थ और डेप्थ दोनों पर एक साथ काम करने के लिए बेस्ट रहता है सिस्टम के साथ प्लग्ड इन रहो। आप सिस्टम के साथ प्लग्ड इन रहोगे और बेसिक करते रहो, सिस्टम के साथ प्लग्ड इन रहो और बेसिक करते रहो। जब ये करोगे तो एक तरफ आप बेसिक कर रहे हो, जैसा कि शफी भाई ने कहा, हर महीने आपके 2 साइनअप हो रहे हैं, साल के आपके 24 साइनअप हो गए, वो 24 साइनअप्स में से 4-5 लोग डेफिनेटली राइजिंग स्टार्स निकल करके आ जाएंगे जो कि आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे। तो राइजिंग स्टार आइडेंटिफाई कीजिए, प्रमोशंस के साथ घुसे रहिए, प्रमोशन की जो वेव है उस वेव पे आप राइड कीजिए और अपने विड्थ और डेप्थ दोनों पर फोकस बराबर कीजिए। किंग नेटवर्क बनाना है, देखिए इस बात को समझिए, मोदी केयर के प्लान में अगर आपको ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना है तो आपको अपने नेटवर्क को किंग बनाना है। आज कोई व्यक्ति दिखा आपका डाउनलाइन है जो कि इंटरेस्ट ले रहा है, कमिटेड है, पैशनेट है, उसको पूरा का पूरा सपोर्ट करो, ऑल आउट सपोर्ट करो, उनको सिस्टम में प्लग इन होने में मदद करो, उनको बोलने का मौका दो, उनको ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व करो, उनको ज्यादा से ज्यादा एंगेज करो। मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताना चाहती हूँ, मैं कंपनी की टॉप अर्नर हूँ, 1.25 करोड़ रुपया महीना कमाती हूँ। मैं पिछले 13 महीने से, जब से लॉकडाउन लगा है, महीने की 30 इवेंट करती हूँ और मैं मैक्सिमम 29 की 30 इवेंट में मैं प्रेजेंट होती हूँ। अगर वीकली बात करूँ तो वीकली हम 7 मीटिंग करते हैं और 7 मीटिंग में एक जो निशान करता है उसे एक मीटिंग को छोड़ दो, उसके अलावा मैं मैक्सिमम मीटिंग में मैं अवेलेबल रहती हूँ। और फिर भी मैं बोलती कितना हूँ पूरे हफ्ते भर में, मेरा आधे घंटे का परिवर्तन जो मैं करती हूँ वो मैं बोलती हूँ, या मैं जो ये इंट्रोड्यूस करती हूँ, थैंक्स गिविंग होता है, मैं वो बोलती हूँ, बाकी सारे के सारा काम कोई और कर रहा होता है, कोई ना कोई और लीडर कर रहा होता है, कोई ना कोई लीडर टेस्टिमोनियल कर रहा होता है, कोई ना कोई कंपनी का स्टाफ, कोई ना कोई एक्सपर्ट यहाँ पे प्रेजेंटेशन कर रहा होता है। अभी अगर मैं ये सोचूं भैया मेरे को तो सब आता है, मुझसे अच्छा तो कोई नहीं है, और अगर मैंने 30 दिन खुद कर रही होती, क्या कभी मैं डेवलप होती, क्या कभी मेरा नेटवर्क डेवलप होता? नहीं, ये डेलीगेशन का बिजनेस है, ये लोगों को एम्पावर करने का बिजनेस है। तो जो भी साइन दिखा रहा है कमिटमेंट के, पैशन के, डेडिकेशन के, उनको ज्यादा से ज्यादा एंगेज करो, एम्पावर करो, किंग नेटवर्क बनाओ। क्यों किंग नेटवर्क की बात कर रही हूँ, आपका कोई भी डाउनलाइन, डाउनलाइन के नीचे के नीचे के नीचे के नीचे जनरेशन बनती जाएंगी, उतना ही बड़ा आपका वो किंग नेटवर्क होता चला जाएगा, आप नीचे 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 तक किंग नेटवर्क से ज्यादा पैसा कमाओगे। तो किंग नेटवर्क बनाओ,
आपके नेटवर्क में कोई आपसे ज्यादा भी तरक्की कर रहा है ना, उसको सपोर्ट करो, क्योंकि जो आपसे ज्यादा तरक्की कर रहा है ना, जो हो सकता है कभी आपको कोई थोड़ा हर्ट हो रहा हो, किसी को ज्यादा पूछा जा रहा हो, आपको थोड़ा कम पूछा जा रहा हो, किसी को कोई क्रेडिट ज्यादा मिल रहा है, किसी आपको थोड़ा क्रेडिट कम मिल रहा है, या कहीं होता है, हम ह्यूमन बीइंग हैं, हमें कभी कभी जिनको हम ही सपोर्ट कर रहे होते हैं वो हमसे अच्छा करने लगते हैं, तो शुरू शुरू में ये बात डाइजेस्ट करने में कि अरे भैया मेरा ही डाउनलाइन मुझसे ज्यादा बड़ा हो गया है, कोई बात नहीं, आप किंग नेटवर्क बनाओ, तो जितना बड़ा आपका किंग नेटवर्क होता चला जाएगा जिंदगी भर उतना ही पैसा कमाने वाले, और फिर उस किंग नेटवर्क का फायदा उठाने के लिए आपकी विड्थ भी होनी चाहिए, तो विड्थ भी बनाओ, किंग नेटवर्क बनाओ, फिर इस मोमेंटम को यूज करके अपनी विड्थ बनाओ, फिर जो विड्थ के लिए बेसिक कर रहे हो उस बेसिक को यूज करके इस किंग नेटवर्क में मोमेंटम बनाए रखो, ये एक मिक्स एंड मैच बहुत जरूरी होता है जो हमें करना होता है, और खाली एक ही किंग नेटवर्क नहीं बनाना है, दो चार किंग नेटवर्क होने चाहिए, कायदे से तो 14 लेग पे जीबीडी होता है, 14 किंग नेटवर्क होने चाहिए, 14 किंग नेटवर्क बना लो और आपकी 14 पीढ़ियां ना ऐश मारेंगी, जब ये चाहते हो तो डेफिनेटली आपको किंग नेटवर्क पर फोकस करना है। देन कम्स एक आध पॉइंट्स मैंने और लिखे हैं जो शफी भाई जब बात कर रहे थे मैं बना रही थी, एक से ज्यादा लेग बनानी है एलपीवी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो लोगों की नजरों से चूक जाता है, बाद में डिसहार्टन होते हैं, डिसअपॉइंट होते हैं, हमें एलपीवी समझ में आने लगा, हमने एक लेग को शुरू में, तो डेफिनेटली शुरुआत तो एक से ही होती है, पर जब एक लेग एलपीवी बन रही होती है हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत बड़ी हो रही होती है, फिर जब एक एलपीवी लेग से हमें गारंटी आती है और वो गारंटी ऊपर चली जाती है तो हम कहते हैं लो हमने तो एलपीवी लेग बनाई, हमने तो इतनी मेहनत करी और हमारे को तो बहुत ज्यादा तो एलपीवी बोनस नहीं आया। अगर आप एलपीवी बोनस कमाना चाहते हो तो एक से ज्यादा जब एलपीवी लेग आपकी बनेगी ना, असली बोनस तब कमाओगे, तो कोई बात नहीं, अभी आपकी एक लेग बनी है, आपको आपकी जितनी आपने एक्सपेक्ट किया था उतना बड़ा चेक नहीं आया ना, डिसहार्टन नहीं होना है, फटाफट एक बना ली, एक कैसे बनाई समझ में आ गया ना, दूसरी बनाओ, तीसरी बनाओ, आपको 4, 6, 8, 10, 14, 40 लेग से भी गारंटी आएगी ना, ऊपर तो एक ही गारंटी देनी है, 39 आपकी हो जाएंगी, अगर 10 लाख से गारंटी आ रही है तो एक ऊपर जाएगी, 9 गारंटी आपकी हो जाएंगी, तो डिसहार्टन नहीं होना है। मैं इस बिजनेस में एक बात बताना चाहती हूँ आपको कि होता है, हमने कैलकुलेशन कुछ समझी होती है, कुछ चीजों को कैसे परसीव किया होता है, फिर अकॉर्डिंगली हमारे पास उतना बड़ा या उस हिसाब से रिजल्ट नहीं आया होता तो कंफ्यूज से हो जाते हैं, कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं है, कोई हमारे को टोपी तो नहीं पहना रहा, कोई हमें बहला तो नहीं रहा, ये तो इस सब काम नहीं करता, इन सब चक्रों में नहीं पड़ो, ये काम करता है, बट हो सकता है कि वो एक फेज हो, जिस फेज में अभी आपने खाली एक एलपीवी लेग बनाई और अभी आपके अकॉर्डिंग सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट नहीं है, कोई बात नहीं, दूसरी तीसरी लेग बनते ही रिजल्ट आपके अच्छे से अच्छे आ जाने हैं। तीसरी बात, कभी भी ये नहीं सोचना है कि मैं मेरे डाउनलाइन को अगर क्वालिफाई करा दूंगा, ऐसा करा दूंगा, वैसा करा दूंगा, मेरा चेक कम होगा क्या, ये रूल के खिलाफ है। आपका कोई भी डाउनलाइन कितना भी बड़ा होगा उसी प्रोसेस से आपका चेक बड़ा आएगा, डाउनलाइन को दबा करके, डाउनलाइन को उसको कहीं ना कहीं रोक करके, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप भी बड़े नहीं हो सकते और डाउनलाइन भी बड़ा नहीं होगा, और जो बड़ा नहीं होगा वो कभी ना कभी खत्म हो जाएगा, तो हमें ये साइकोलॉजी कभी नहीं रखनी है, हर किसी को बड़े से बड़ा होने में हमको मदद करनी है। एंड देन कम्स ज्यादा से ज्यादा किंग लेग पर काम कीजिए, तो ये कुछ बेसिक्स हैं जो कि जब एलपीवी की बात आती है तो हमें करने होते हैं। डाउनलाइन आपके बराबर आ गया, उसका लेवल आपके बराबर हो गया, तो वो आपसे बड़ा हो गया, तो इस पर फोकस करने की बजाय डाउनलाइन को किंग नेटवर्क बनाओ। मैं आपको जैसे मैं एक एग्जांपल से बताती हूँ, एक टेस्टिमोनियल अब हम शुरू करने वाले हैं। मेरे अपलाइन मिसेस प्रमिला भार्गवा, निशांत भार्गवा, उनके नीचे एक किंग नेटवर्क में ही हूँ। मैं क्यों आपको ये कैलकुलेशन बता रही हूँ, मैं क्यों ये पर्सनल बात बता रही हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ा आई ओपनर है। उनके नीचे एक किंग नेटवर्क मैं हूँ, और अब जब मेरे फादर इन लॉ की डेथ हुई, उन्होंने ये आईडी निशांत को गिफ्ट कर दी, मैंने और निशांत ने उस आईडी पर काम करना शुरू किया, हमने 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख आज की तारीख में वो जीबीडी मेंटेन करते हैं। जैसे ही 3 लाख होने लगी थी तो 3.5-4 लाख रुपए का चेक आने लगा था, 3 लाख खाली डायरेक्टर हो रही थी, फिर हमने 6 लाख करी तो 7-8 लाख रुपए का चेक आने लगा, हमने 8 लाख कर दी तो 12-13 लाख रुपए का चेक आने लगा, अभी हम जीबीडी मेंटेन करते हैं तो करीबन 37-38 लाख रुपीज का चेक आता है। उसमें से ऐसा नहीं है 4-5 लेग ही एलपीबी हैं, वो भी 1-1 लाख बीवी करती होंगी, ये किंग नेटवर्क से आ रहा है सारा का सारा पैसा। तो कभी कोई ईगो इस बिजनेस में नहीं रखनी, जो जितना भी बड़ा हो रहा है उसको बड़े से बड़ा होने दो, उसकी मदद करो, अच्छे रिलेशन, बहुत बड़ा दिल रखना, छोटी छोटी चीजों पे हर्ट हो जाना और ईगो को बीच में ले आना वो बिल्कुल गलत है। तो किंग नेटवर्क बनाओ और फिर साथ में अपनी विड्थ भी बनाओ, जिससे आप पूरे के पूरे किंग नेटवर्क का, किंग साइज होने का फायदा उठा सको।
यही बातें हैं। और आइए चलिए, कुछ एक टेस्टिमोनियल्स हैं जो कि जिन्होंने एलपीबी लेग बनाकर के पूरा पूरा उसका फायदा उठाया है। तो कैसे फायदा उठाया के लिए मैं सबसे पहले बुलाने जा रही हूँ मनदीप जी को। जानिए समझिए कि इन्होंने एलपीबी लेग बनाई तो इनके साथ क्या हुआ। तो सबसे पहले मैं मनदीप कौर संधू जी को स्क्रीन पर बुलाना चाहूंगी। मनदीप जी, ओवर टू यू। क्या जादू किया है एलपीबी ने आपके लिए, मैं चाहती हूँ आप सबको बताएं। थैंक यू सो मच मैम। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग का मॉर्निंग। माय सेल्फ मनदीप कौर सिद्धू, आई एम फ्रॉम नांदेड़ महाराष्ट्र। बाय प्रोफेशन तो हाउसवाइफ थी, और लेकिन एक अपॉर्चुनिटी को यस करते ही मैं बिजनेस वुमन हो गई और एक रिस्पेक्टेबल अमाउंट जिसको बोलते हैं 3 लाख रुपया महीना कमाना शुरू कर दिया। लेकिन ये हुआ कैसे, जैसे फ्रेंड्स बोलते हैं ना, गॉड इज इन डिटेल। तो जब आप किसी चीज में आते हो, किसी के किसी भी जगह पर आप गए, उससे उतना फर्क नहीं पड़ता जब तक आप उसकी डिटेल में नहीं जाते हो। तो डिटेल का मतलब क्या होता है, जब भी आप प्रोफेशन में आए, बड़ा चेक, मेरा और आपका पैशन वही रहेगा, लेकिन बड़ा चेक कैसे आएगा, एलपीबी बोनस एंड पीजीबीवी। एलपीबी बोनस एंड पीजीबीवी कैसे आएगा, जब आप उस प्रिंसिपल के ऊपर काम करोगे जिसके ऊपर हर लीडर को करना चाहिए, वो होता है नीचे से लीडरशिप, लीडर्स को जनरेट करना। और फ्रेंड जब आप किसी के लिए काम करना शुरू कर देते हो ना, वो हो जाता है जिसको बोला जाता है मिरेकल। और इस समय ये जो हाउसवाइफ आपसे बात कर रही है, लगभग 22 साल हाउसवाइफ थी, 2 साल के प्रोफेशन ने इसको ये बता दिया कि किसी के लिए काम करो, डेप्थ में जाकर काम करो, प्रॉपर एक सिस्टम के साथ काम करो, सिस्टम के साथ चलते चलो। तो क्या हो जाता है, एक पूरे चेक में एक इनकम ऐसे आती है जो 1.5 लाख को टच कर जाती है, कभी ऊपर कभी नीचे आती है, और वो होती है एलपीबी बोनस। तो माय डियर फ्रेंड्स, अपने फंडे लाइफ में चेंज कर दीजिए, डेप्थ में काम करना शुरू कर दीजिए, ओनली देन यू कैन एंजॉय बिग अमाउंट इन लाइफ। थैंक यू सो वेरी मच मैम, एंड ओवर टू यू। दैट्स ग्रेट। सी कितनी इंपॉर्टेंट लेसन इन्होंने दिया, डेप्थ में काम कीजिए, डेप्थ 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 में राइजिंग स्टार आइडेंटिफाई कीजिए, उनके साथ काम कीजिए। क्यों, क्योंकि 3 लाख के चेक में 1.5 लाख रुपए की इनकम एलपीबी से आती है, और एलपीबी जब हम लीडरशिप बढ़ाते हैं अपनी टीम में तो डेवलप होती है। जोरदार तालियां मनदीप जी के लिए बजाते हुए हम हमारे अगले अचीवर एलपीबी बेनिफिशियरी गगन कामरा जी को बुलाना चाहेंगे। गगन जी, थैंक यू सो मच। सुरेखा मैम, थैंक यू सो मच। गुरु माता जी, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं, आप ये सेशन रखवाती हैं। और देखिए कितना आई ओपनिंग सेशन था, 1000 लोगों से भी ज्यादा जूम में अटेंड किया, और मुझे पूरा यकीन है कि सैफुद्दीन साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे पूरा यकीन है कि आज जिन्होंने ये सेशन अटेंड किया, ये दिस वाज अ बिल्कुल आई ओपनर फॉर एलपीबी। कितना इजी है एलपीबी करना, और लोग कहते हैं कि एलपीबी क्या है। मैं अपने टर्म से बताता हूँ फ्रेंड्स, मेरा नाम गगन कामरा, मैं जम्मू को बिलोंग करता हूँ, 3 साल पहले बिजनेस शुरू किया था। एलपीबी क्या है, सिर्फ 1 लाख, एक लाख में 1 लाख जीबीवी आपकी एलपीबी, 1 लाख में 1 लाख जीबीवी आपकी एलपीबी, 1 लाख में 1 लाख जीबीवी आपकी एलपीबी। तो ज्यादा कॉम्प्लिकेशन में मत पड़िए, सिर्फ देखिए कि देखिए एक तो किंग लैग सभी की होती है, जैसे सुरेखा बालो मैम ने बोला कि एक तो किंग लैग होती है जहां पे 5, 6, 7, 8 लाख, 10 लाख, 15 लाख जीबीवी आराम से हो जाता है। लेकिन साइट्स में जो आप अपनी लग्स को मेंटेन कर रहे हैं, जहां पे आप खुद वर्किंग करते हैं, वहां पे टारगेट कम से कम 1 लाख जीबीवी का रखिए। मतलब विड्थ भी बहुत जरूरी है, टारगेट टाइटल अचीव करना बहुत जरूरी है, लेकिन टाइटल से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि आप जब किसी को अपनी डाउनलाइन को समझाते हैं बिजनेस, मैं यही कहता हूं कि आप 4 लेग्स रखिए, और 4 लेग्स को एलपीबी पे लेके जाइए। पहले 1-1 लाख पे लेके जाइए, और मैं को क्या समझाता हूं कि अगर आपकी 4 लेग्स एलपीबी हो जाती है फ्रेंड्स, तो कम से कम मतलब 4 लेग्स में भी 15-20 लाख रुपया महीना आ सकता है मोदी के अंदर। 3 लेग्स अगर एसईडी लेवल पे 3 लेग्स भी आपकी एलपीबी होती है और बिजनेस बढ़ते रहता है, 12 लाख रुपए का रिकॉर्ड है एसईडी लेवल पे। मतलब जरूरी नहीं है कि आपको बहुत बहुत टाइटल्स अचीव करने, आपको क्राउन जाना, आपको आरबीडी जाना, आपको जीबीडी जाना, तभी पैसा आएगा, नहीं। मैं खुद इस बात का फॉलोअर हूँ, मैं क्राउन डायमंड डायरेक्टर हूँ, मेरी 8 लेग्स है, और पिछले 1-1.5 साल से 8 ही लेग्स पे मैं काम कर रहा हूँ। और दिसंबर में जब वो बाइक क्वालिफिकेशन आई थी, ऐसा जादू हुआ था कि मेरी 8 में से 7 लेग्स ऑटो मोड पे क्वालिफाई हुई थी एलपीबी, और चेक जो मेरा था 4 लाख रुपीज का चेक आया था, और तभी से मैं कंटिन्यूसली मेंटेन करता हूँ। और 3-3.5 लाख का चेक तो रेगुलर आ रहा है, क्योंकि 4-5-6 एलपीबी रेगुलर हो रही है। तो फ्रेंड्स, विड्थ पे जाइए बाद में, पहले आपकी 2 या 3 लेग्स को एलपीबी लेके जाइए। और एलपीबी एक बार नहीं कि एक बार एलपीबी हुई तो बात खत्म होगी, नहीं, कम से कम 6 महीने उनको एलपीबी मेंटेन रखना है, फिर जाके आप नेक्स्ट लेग स्टार्ट कीजिए और उसमें वर्किंग स्टार्ट कीजिए। तो फ्रेंड्स, एलपीबी में बहुत पैसा है,
लाखों रुपए आप कमाने लगेंगे, बस एलपीबी करना सीख जाइए। थैंक यू सो मच सुरखा मैम। फैंटास्टिक फैंटास्टिक। यहाँ मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगी कि जब सर कह रहे हैं कि जी बस आप 8 लाख बनाओ या 6 लाख बनाओ या 3 लाख बनाओ या 4 लाख बनाओ, पहले उनको डेवलप करो और फिर अपनी ऑर्बिट खोलो, का मतलब ये नहीं कि आप प्रोस्पेक्टिंग बंद कर दो। अगर प्रोस्पेक्टिंग करना बंद तो सांस लेना बंद नेटवर्क मार्केटिंग में। प्रोस्पेक्टिंग आपको लगातार करनी है। जैसे जैसे देखो पर्सनल मोमेंटम रहेगा ना तो ग्रुप मोमेंटम होगा। तो ये बिल्कुल ये नहीं समझिएगा इस टेस्टिमोनियल से कि आपको बस 4 लोग बना दिए फिर पहले उन्हीं को डेवलप करना है और फिर अपनी पर्सनल प्रोस्पेक्टिंग करनी है। हमें कभी भी इस बिजनेस में मैनेजर नहीं बनना है। पर जब आप 8, 10, 15, 20 लाख पर काम करते हो, राइजिंग स्टार ढूंढते हो, तो आपको 4-6 लाख में राइजिंग स्टार दिखते हैं। जो भी राइजिंग स्टार है उस पर फोकस करके उनको डेवलप करो। खाली बनाए छोड़े वो काम नहीं करने की, जी बस विर्थ बनाते चले जाना है और पीछे जो भी है ना लोग आपके बने हुए उनको डेप्थ में बनने में मदद नहीं करो, वो नहीं करना है। That's what I think he is, you know, explaining to us. आइए आगे चलते हैं। हम हमारी एक LPB beneficiary पल्लवी कौशिक जी को सुनना चाहेंगे। पल्लवी जी। Good morning, good morning all of you. मेरा नाम पल्लवी है और 4.5 साल पहले मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था और 6 महीने तक ये बिजनेस मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था और 10 से 15 हजार रुपए महीने की इनकम पर बिजनेस अटका हुआ था। तो समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ प्रॉब्लम हो रही है। और ऐसे ही एक दिन सुरेखा मैम से बात करके पूछा कि पैसा कैसे आएगा, लोगों को तो लाखों रुपए महीना आ रहा है, मुझे नहीं आ रहा। तो मैम ने बोला कि बेटा जी एलपीबी इनकम के ऊपर काम करो। तो मैंने बैठ के मैम से इस इनकम को बहुत अच्छे से समझा, डीप से समझा। तो जितनी बात मुझे समझ में आई और मैंने जब काम करना एलपीबी के ऊपर शुरू किया तो जितनी भी मेरी फ्रंट लाइन थी मैंने उनके नीचे उनकी एलपीबी लेग लगवाने के ऊपर काम किया। मैंने कभी भी अपनी एलपीबी लेग लगाने के ऊपर काम नहीं किया, अपनी डाउन लाइन की एलपीबी लेग लगाने से काम किया। तो उससे क्या हुआ कि हर लेग से जो मिनिमम गारंटी है वो भी आई और साथ में जो जनरेशन का जो बेनिफिट होता है वो भी आया। और आप मानेंगे नहीं, सिर्फ 4.5 साल में क्राउन डायमंड डायरेक्टर तो हम हैं ही और 3 लाख रुपए का मंथली पे आउट हम मोदी केयर से ले पाते हैं जस्ट बिकॉज हम डाउन लाइन डेप्थ में जाकर अपने टीम में जो है उनकी एलपीबी लेग लगवाने के लिए उनके साथ वर्क करते हैं। आज हमारे फ्रंट में हम 6 एलपीबी लेग लगाते हैं और मैं कभी भी आज क्राउन डायमंड डायरेक्टर हूं और कभी भी हमारा कोई भी टाइटल किसी भी हमारी डाउनलाइन के साथ कभी भी क्लैश नहीं हुआ, टचवुड बाय गॉड ग्रेस। हमेशा टाइटल जो शफी सर ने बताया कि अगर टाइटल सेम हो जाता है या हायर या लो हो जाता है तो उससे एलपीबी का बेनिफिट नहीं आ पाता, तो कभी भी वो भी नहीं हुआ। और जितनी भी एलपीबी अगर एक बार लगी तो वो लाइफ टाइम लगनी शुरू हो गई क्योंकि हमने अपनी एलपीबी पे फोकस ना करके डाउनलाइन की एलपीबी पे फोकस किया। तो जब डाउनलाइन की एलपीबी एक बार लग जाती है तो उनकी इनकम भी बढ़ती है, तो वो लोग लगातार उस चीज के लिए मोटिवेट होते हैं कि उनको इतना ग्रुप बी भी करना है जिससे कि उनको मिनिमम 10-15 हजार रुपए की इनकम जो है आनी शुरू हो जाती है। सो थैंक यू सो मच मैम। वाओ व्हाट अ ग्रेट लेसन। आप एलपीबी कमाना चाहते हो की बजाय डाउनलाइन को एलपीबी कमाने के लिए बस उसमें मदद करो, उसके लिए काम करो। आप गोवा जाना चाहते हो तो कई लोग कहते हैं मैडम मेरा ना गोवा तो हो ही जाएगा, इस महीने के आखिर तक 4 लोग तो मैं कर ही लूंगा और 50-50 पीवी और 400 पीवी ग्रुप पीवी तो मैं इन 4 लोगों से करा लूंगा, मेरा 50 तो हो ही है, मेरा तो गोवा डन है। मैं कहती हूँ हे किस्मत के मारे, हे बदकिस्मत इंसान, क्यों गलत सोच रहा है। अगर तेरा डन होता सोचेगा तो बस वो डन होगा, किसी तरह गोवा क्वालिफाई होगा एंड दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी। अगर तुम शुरू से सोचोगे कि अपने नीचे किसको, ये जो मैं 4 लोग बना रहा हूँ इनको गोवा क्वालिफाई कराऊं, फिर देखो फिर आपके बिजनेस में असली जान आती है। तो यही है, जो आप करना चाहते हो वही काम, जो आप कमाना चाहते हो वही काम अपनी डाउनलाइन के लिए करा दो, आपका तो आपकी पौ 12 हो जाएगी। और वही पल्लवी जी ने किया है। और जहां तक बात आती है कि जी अपलाइन और डाउनलाइन का लेवल सेम नहीं हो जाए, देखो जब एक बार अल्टीमेटली जीबीडी पे आओगे उसके बाद तो सबका सेम होना ही होना है, पर जीबीडी जाने से पहले ना सुकून से बैठना नहीं है। डेप्थ बनाए जाओ, विर्थ बनाए जाओ, बेसिक दोनों काम एक साथ चलाने के लिए वो फैक्ट्री में आए जाओ। फैक्ट्री मतलब हमारा लीप प्लेटफॉर्म है, आपके अप्लाइंग के बनाए हुए प्लेटफॉर्म है, जो भी एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है उसके साथ सिस्टम के साथ पूरी टीम को प्लग इन कर लो और कंपनी के जो प्रमोशन आ रहे हैं उनमें आप बहते चले जाओ उस वेव राइड पर, तो आपका काम होता चला जाता है। आइए चलिए हम हमारे अगले एलपीबी बेनिफिशियरी अक्षय अद्वाल जी को सुनना चाहेंगे। अक्षय जी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। सो गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग फ्रेंड। दोस्तों आज का जो टॉपिक था मेरा फेवरेट टॉपिक था और बहुत ही जबरदस्त टॉपिक था। जैसे कि दोस्तों बहुत सारे लोग मोदी केयर में आते हैं और एक सपना लेकर आते हैं कि लाखों रुपए की इनकम लेनी है, और दोस्तों मोदी केयर में जो लाखों रुपए की इनकम आती है वो आती है एलपीवी से। मैं अपने बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। मेरा नाम अक्षय ढवाले और अमृतसर पंजाब से बिलोंग करता हूँ। आज से दोस्तों 3 साल पहले शुरू किया था, 10,000 रुपए की जॉब करता था। आज दोस्तों मोदी केयर से 1.25 लाख रुपया मंथली ले रहा हूँ, मोदी केयर से 2 गाड़ी ले चुका हूँ
दो फॉरेन टूर ले चुका हूँ और मैं आज दोस्तों मैं अकेला नहीं पैसे बना रहा, मेरी टीम में बहुत सारे लोग हैं जो अच्छी इनकम ले रहे हैं। और दोस्तों बात करते हैं एलपीवी की, एलपीवी दोस्तों मेरा फेवरेट जो है इनकम है वो एलपीवी है। आज दोस्तों मैं प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर हूँ और मेरी 4 लाख एलपीवी जाती है और दोस्तों उसमें से जो मेरा 1.25 लाख का चेक बनता है 70% जो इनकम बनती है दोस्तों वो एलपीवी होती है। 1.25 लाख का चेक बना उसमें से जो 80,000 होता है वो दोस्तों एलपीवी का होता है और इतना मजा आता है। और दोस्तों आज मैं अकेला नहीं एलपीवी को एंजॉय कर रहा, मेरी टीम में बहुत सारे लोग हैं जो एलपीवी एंजॉय कर रहे हैं। अभी लास्ट मंथ ही मेरी टीम में 4 से 5 लोग ऐसे थे जिनका चेकअप 40,000 से ऊपर का आया। और दोस्तों मैं आप सभी को यही बोलूंगा कि एलपीवी को जरूर अचीव करना है, मोदी केयर में आए हो जल्दी से क्या करना है, एक काम करना है पहले अपनी अपलाइन को एलपीवी देनी है, फिर जल्दी से अपनी टीम को ये चीज सिखानी है कि अपनी अपलाइन, मैंने अपनी अपलाइन को एलपीवी दी है, आपने भी जल्दी से 1 लाख बीवी करना है। और दोस्तों हमने तो अपने ग्रुप में बहुत बढ़िया माहौल बनाते हैं, 1 लाख बीवी के ऊपर केक कट करते हैं, 1 लाख बीवी क्लब बनाया हमने बहुत ही बढ़िया तरीके से और दोस्तों उनको बढ़िया तरीके से रिकॉग्नाइज करते हैं, उनको ट्रॉफी देते हैं 1 लाख बीवी की। और दोस्तों हमने एक ग्रुप बनाया उसमें सभी लोग क्या डालते हैं कि मैंने अपनी 10 तारीख को अपनी अपलाइन को एलपीवी दे दी, उससे दोस्तों होता क्या है एक कॉम्पिटिशन होता है कि यार उसने अपनी अपलाइन के लिए एलपीवी कर दी, जल्दी से मैं भी अपनी अपलाइन के लिए एलपीवी करूंगा। तो दोस्तों एलपीवी को कीजिए बढ़िया तरीके से और मोदी केयर में दोस्तों जो आपका सपना है लाखों रुपए की इनकम एंजॉय करना वो दोस्तों एलपीवी से ही आएगी। तो थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू। Fantastic, wow. 100 बात की एक बात कह दी आपने कि आप अगर मोटिवेटेड हो कि मुझे मेरी अपलाइन की एलपीवी लैग बनना है और अगर आप ये ठानते हो और अगर ग्रुप में इसका माहौल बनाते हो तो वही जैसा आप हो वैसे के वैसी टीम करती है, आपसे शुरू होता है आप ही पे खत्म होता है देखा जाए तो अगर आप अपने अपलाइन के एसेट बनना चाहोगे, अगर आप अपने अपलाइन को एलपीवी देना चाहोगे, आपको हर हाल में अपने एक ही अपलाइन को देनी है, भले आपके अपलाइन के अपलाइन के अपलाइन के अपलाइन बहुत सारे अपलाइन है आपके पास पर आपको देनी सिर्फ एक ही अपलाइन को है और डाउनलाइन हर हाल में आपके पास ज्यादा होते हैं, आप एक को दोगे आप 100 से पाओगे, यही सफलता होती है। और 1 लाख बीवी क्लब बहुत अच्छा लगा अक्षय जी का आइडिया, अगर 1 लाख बीवी क्लब को जिस चीज को आप सेलिब्रेट करने लगते हो आपके ग्रुप में वही होने लगता है। अगर आप अपनी टीम में 1 लाख बीवी क्लब 1 लाख बीवी क्लब सेलिब्रेट करने लगोगे, इस बात पे है ना जश्न मनाने लगोगे, केक कटिंग करने लगोगे तो डेफिनेटली आपकी टीम में 1 लाख बीवी करने वाले बहुत ज्यादा लोग आते चले जाएंगे। दिस इज फैंटास्टिक, आई थिंक हाईलाइट ऑफ द शो स्टॉपर आज की इवेंट का ये हो गया 1 लाख बीवी क्लब, दैट्स अ ग्रेट आइडिया। आइए हमारे आखिरी टेस्टिमोनियल पवित्रा बराड़कर जी, छोटे से वॉल्यूम पे बड़ा सा चेक कैसे कमाती है पवित्रा जी, हम पवित्रा जी से सुनना चाहेंगे। पवित्रा जी ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग एंड मॉर्निंग फ्रेंड्स। फ्रेंड्स मेरा जो फोकस रहा जब मैंने मोदी केयर बिजनेस को शुरू किया तो मुझे हर बार ये होता था कि बड़ा चेक कैसे आएगा, बड़ा चेक कैसे आएगा। तो मैंने एक काम करना शुरू किया कि जितने भी लीडर्स थे, जितने भी लोगों के बड़े चेक्स आते थे और वो जो पोस्ट करते थे, मैं उसको ना पढ़ती थी और हर बार देखती थी कि कौन सी इनकम से कितना रुपया उनको आया। तो मैंने देखा एलपीवी की इनकम सबसे बड़ी होती थी, तब एलपीवी कैसे कमाया जाता है वो समझना शुरू किया। और फिर एक चीज रियलाइज हुई, क्योंकि गणित मुझे बहुत ज्यादा नहीं आता, मैं गणित में बहुत कच्ची हूँ, तो मुझे एक चीज समझ में आ गई कि अपने हर एक लेग में ना 20,000 रुपए कमाने वाले खड़े कर दो, आपका काम हो जाएगा। और फ्रेंड्स मैंने उसी के ऊपर काम किया, मैं एलपीवी लेग 1 लाख पे फोकस नहीं करती, मैं एलपीवी लेग कम से कम 2 से 2.5 लाख एक वॉल्यूम में मैं बिल्ड करने के लिए पूरा मेरा जो फोकस होता है वो होता है। और उसका रिजल्ट ये हुआ कि सिर्फ 3 लेग मेरी एलपीवी है पर ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए मेरे फैमिली इनकम हो चुकी। सो एक ही चीज है कि मैंने 3 चीजों पे फोकस किया, वो मैं आप लोगों के साथ जरूर डिस्कस करूंगी। सबसे पहली चीज थी दैट वॉज राइट माइंडसेट, और राइट माइंडसेट मेरे खुद की इनकम के लिए नहीं रखा, मैंने अपने टीम के लीडर्स के लिए रखा। हर एक का चेक मैं पहले से कैलकुलेट करती थी कि अगर इनका ये तरीके से हो गया तो इनको इतना चेक आएगा। तो जब मैं मंथ की बिगनिंग में उनके साथ जब काउंसलिंग करती थी तो उनको मंथ के बिगनिंग में ही बता देती हूँ कि इतना चेक हमको आना है, तो ये लेग में इतना बीवी, ये लेग में इतना बीवी, ये लेग में इतना बीवी अपने को चाहिए और उसके लिए आपको मेरे पास से जो भी सपोर्ट सिस्टम चाहिए आई एम देयर। तो मैं उनसे अपना सपोर्ट बताती थी, उनसे फिर वो लोग अपने मीटिंग्स मुझे देते थे। इस तरीके से करते करते वो वॉल्यूम अच्छे से बढ़ने लग गया और चूंकि उस लीडर की इनकम के लिए वो पूरा के पूरा सेटअप किया जाता है तो वो लीडर पूरी तरीके से मोटिवेटेड होके काम करता है उसके फोकस के लिए। टीम के इनकम के लिए काम किया, मेरी इनकम बढ़ती चली गई। और फ्रेंड्स अगला जो मेरा पड़ाव मैं लेना चाहती हूँ बिफोर दिस दिसंबर, दैट इज नथिंग बट मिनिमम 7.5 लाख रुपीज अ मंथ इनकम, और उसके लिए मैं पूरी तरीके से कमर कस के तैयार हूँ, जो भी करना पड़ेगा करेंगे पर लेंगे।
दैट्स इट मैम. हो जाएगा, हो जाएगा. दिस इज फैंटास्टिक. कौन कहता है आप गणित में कच्ची हो? जिसको बैठ करके मंथ के शुरू में डाउनलाइन के चेक कितना आएगा इस महीने के एफर्ट के बाद, जिसको ये कैलकुलेट करना आता है वो गणित में कच्चा नहीं होता. हमारे बिजनेस में इतने गणित चाहिए होता है कि डाउनलाइन को इस महीने के एफर्ट से अगले महीने जो चेक आए वो इतने रुपए का होना चाहिए. और फिर डाउनलाइन से पूछा कि भाई अच्छा तुमको इतने का चेक आना है, तुम आता चेक इतना 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 कर लो तो इतना चेक कमा सकते हो, तुमको मेरा क्या सपोर्ट चाहिए. और फिर आपने जब डाउनलाइन के गोल सेट करके जब उनसे एक्शन मांगा है तो वो डेफिनेटली एक्शन करेंगे और फिर आप बनते हो टूल. पवित्रा जी, एक और बहुत अच्छी बात है आपकी, आप अपने डाउनलाइन के लिए टूल हो. आपके डाउनलाइन आपको यूज करके मीटिंग, सक्सेसफुल मीटिंग कर पाते हैं, वो रिजल्ट ला पाते हैं. और जब हम अपने डाउनलाइन के लिए सक्सेसफुल टूल बन जाते हैं तो हमें डाउनलाइन हमारा टाइम यूटिलाइज करने लगते हैं. और देन दैट्स जस्ट द बिगनिंग. उसके बाद तो रेस्ट इज कहते हैं ना हिस्ट्री, वो हो जाता है. तो ये ही करने से आपका वॉल्यूम बहुत छोटा है अभी और चेक के हिसाब से. एंड दैट्स द मेन, जो कहते हैं ना मेन पार्ट है आपके सक्सेस का. आप जैसे जैसे आपका वॉल्यूम बढ़ता जाएगा डाउनलाइन के चेक बढ़ते जाएंगे और चेक बढ़ते जाएंगे. और 7.5 लाख रुपया कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. 7.5 लाख रुपया खुद को कमाना है ना. 2-2 लाख 2-4 लोगों को कमा दो, आपका 7.5 लाख का चेक आ जाएगा. क्या बड़ी बात है. चलिए फैंटास्टिक. सो फ्रेंड्स, ये था आज का एलपीबी का सेशन. आई होप ये आपके डेफिनेटली बहुत काम आएगा, आपका माइंड सेट करने में, आपको राइट स्ट्रक्चर सेट करने में और बहुत बिलीव देने में कि अरे सबका ऐसे ही हो जा रहा है. कंपनी का प्लान, अगर कंपनी 15% किसी भी बोनस पर डाल रही है ना तो वो बोनस आता है तभी डाल रही है. तो जब दूसरों का आता है तो आपका क्यों नहीं आएगा. राइट, फोकस कीजिए और बढ़ते जाइए. बस इतना ही कहना था. मैं शफी भाई के लिए और हमारे सारे के सारे प्रेजेंटर्स के लिए जोरदार तालियां बजाना चाहूंगी अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट देने के लिए. मुझे टीम इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि हर कोई अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट, अनकंडीशनली बेस्ट ऑफ द बेस्ट देता है. तो मैं जोरदार तालियां सारे प्रेजेंटर्स के लिए बजाना चाहूंगी और आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी. अब बात आती है कल की. कल है थर्सडे और थर्सडे शाम को 6:30 बजे हम करते हैं गेस्ट मीटिंग. जितनी भी बातें हम कर रहे हैं ना, जो भी हम WWW पे आपको सिखाते हैं या जो भी हम सैटरडे में प्रोडक्ट करते हैं, जो भी हम संडे को न्यू कंसल्टेंट ओरिएंटेशन प्रोग्राम करते हैं, उन सब का फायदा उठाने का सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बताती हूँ. दो टिप दे करके जा रही हूँ मैं आज. पहला, हर गेस्ट मीटिंग में अपना एक गेस्ट लाने की आदत डालो. अगर गेस्ट मीटिंग में जब आपका गेस्ट बैठा होगा ना, वो गेस्ट मीटिंग का असर ही आप पे अलग होगा. बिलीव मी, ये मेरी सक्सेस का बहुत बड़ा सीक्रेट है. हर परिवर्तन में, हर गेस्ट मीटिंग में आपका एक गेस्ट जब बैठा होता है ना, तो आप ऐसे ना घोड़े कस करके बिल्कुल ऐसे बैठे होते हो. अब क्या बोल रहा है अगला, अब क्या बोल रहा है, मेरा गेस्ट ये सोच रहा होगा, मेरा गेस्ट ये सोच रहा होगा, इसने ये क्यों बोला, इसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, ये तो ऐसा ये ना. आज तो मैडम खाली 4 ही हाउसवाइफ आई, मेरा एक हाउसवाइफ आया हुआ है, हाउसवाइफ आई हुई है. अगर 4 की बजाय 8 हाउसवाइफ आ जाती है ना, जैसे आपकी एक सिंपल हाउसवाइफ गेस्ट बैठी, आपको मालूम है ना वो ऑनलाइन कनेक्टेड है, आप उस मीटिंग को पूरा आत्मसात कर रहे होते हो. और वैसे ही जब कोई भी ट्रेनिंग हो रही हो, उस ट्रेनिंग में अपना नया बनाया हुआ डाउनलाइन बैठाओ और फिर उस ट्रेनिंग का अपने दिमाग पर असर देखो. अगर ये दो काम आप करने लगे, हर गेस्ट मीटिंग में आपका गेस्ट, हर ट्रेनिंग में आपका एक नया डाउनलाइन, तो फिर जादू देखो. आपको उन मीटिंग्स का दूसरों पे क्या असर हो रहा है कि बात नहीं कर रही, आप पे बहुत अच्छा असर होता है. और फिर वो आपको पर्सनल ग्रोथ पे काम आता है और आपके माइंड सेट को सेट करता चला जाता है. और मेरे कल जहाँ शुरू होते हैं वो ही पॉइंट आता है. तो बस अपने नए गेस्ट कल निशान भार्गवा एंड टीम मिलकर के परिवर्तन करने वाले हैं. तो कल 6:30 बजे की इवेंट के लिए बहुत सारे गेस्ट इन्वाइट कीजिए. आप कह सकते हैं 26 साल की उम्र में लड़का वॉल्वो चलाता है, मर्सिडीज एस क्लास चलाता है और ऐश कर रहा है, उसकी मतलब उसकी जिंदगी से सारा स्ट्रगल्स खत्म हो चुका है, उसको कभी नौकरी ढूंढनी नहीं पड़ेगी. और ऐसा लड़का सिखा रहा है, एक ऐसा जेंटलमैन यंग बॉय सिखा रहा है, नेक्स्ट जनरेशन कहते हैं ना, थर्ड जनरेशन नेटवर्कर सिखा रहा है. तो आइए उनसे सीखने के लिए चलते हैं कि कैसे बहुत सारा पैसा आप भी कमा सकते हैं, अपनी अगली कई पीढ़ियों को आप भी कैसे सेट कर सकते हैं. ये कहकर के आप कल की इवेंट में अपने गेस्ट बुला सकते हैं. तो आज के लिए इतना ही काफी है. ऑल दी वेरी बेस्ट, सी यू सून.